चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो महाबलनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै कीप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमतिर् रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मतिर् दयांगबरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सगर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। बोलो श्रीमान नित्यानंद प्रभु की। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ एवं श्री गोविंद गोपीनाथ श्री मदन मोहन जी समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि आज श्री मदन मोहन जी को सामने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कथा एवं श्री उसको जरूरत है श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा और श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ से हम लोग कोशिश करेंगे 7 दिन तक श्रवण करने के लिए। कहते जो महाप्रभु की जो कथा है कहते श्री जो कृष्ण भगवत कथा है कहते ये जगत में बड़ा दुर्लभ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं बोले परीक्षित कहते आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है
कते स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्ते अमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये जो भगवत चर्चा जो हरि कथा है, ये स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये भगवत कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग भागवत में सुनते हैं, जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता भी कथा सुनने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर के आए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते तथा देवान जहाससा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको खदेड़ दिया वहां से। बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। बोले को कथा को मणिर महान। वो उदाहरण देकर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक कांच की टुकड़ा लाए, बोले ये कांच की टुकड़ा ले लो, तुम्हारी पास में जो मणि हमें दे दोगे, आप दोगे? बोलो आप दोगे? दोगे नहीं देंगे। इसलिए कहते जो भगवान की जो कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कथा, क्या कथा है? साक्षात ये मणि सदृश है। भगवान और भगवत कथा में कोई भी पार्थक्य नहीं। भगवत कथा सुनना और भगवान को साथ में मिलने या कोई अलग बात नहीं। कथा सुनना मतलब भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना ही ये कथा सुनना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगा दिया वहां से उनको, बोले कथा नहीं सुन सकते हो, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जो सौभाग्य देवता को नहीं मिला ना, आज ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। इसलिए हम लोग देवता से भी ज्यादा सौभाग्यवान। ताली बजाओ तुम लोग। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये जो भगवत कथा है, बोले ये कथा सत्य लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए अगर कहीं भागवत कथा हो, अगर कहीं भगवत चर्चा हो, कहते ब्रह्मा भी ब्रह्म लोक से वो अकेले नहीं, अपना पत्नी शारदा को लेकर के कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले शारदे जल्दी जल्दी तैयारी हो जाओ, ऐसे नहीं जब मैं कथा के लिए तैयारी हो जाऊं तो बोलोगे मैं श्रृंगार कर रही हूँ, अभी मेरी श्रृंगार नहीं हुई, क्योंकि माताओं के श्रृंगार में बड़े शौक हैं, इसलिए तैयारी हुआ कर रहना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहते कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुनिबत शारद आबत धाई। कहते श्री ब्रह्मा जी अपना पत्नी शारदा को लेकर के धाई, धाई मतलब क्या होता है? दौड़ दौड़ कर, चलो हम दौड़ दौड़ कर कहाँ जाते हैं बताओ? जहाँ माल मिलेगा, जहाँ माल मिलेगा वहीं तो दौड़ दौड़ कर जाते हैं ना। लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता है, भगवत कथा से हमें जितने लाभ मिलने वाले हैं, दुनिया की कोई भी बिजनेस में भी हमें इतना आनंद व इतने लाभ हमें नहीं होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं। इसलिए मीरा कहती हैं, बोले दीना दीना बड़ा तसबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए भगवत कथा में ही सबसे ज्यादा लाभ हमें मिलने वाले, इसलिए ब्रह्मा भी सुनने आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते ब्रह्मा की बात छोड़ दो, ये कथा सुनने के लिए कहते हैं ये कैलासे। कैलाश मतलब क्या? बोले शिव लोग। बोले वहां पर अगर कहीं कथा हो ना, क्या हाथी ला तो हे भैया कथा को ध्यान से सुनो, माला रख लो कथा सुनो, कल तुमको सारे बात पूछेंगे तुमने क्या सुनी है। देखो आप लोग भी जैसे महापुरुष की कथा सुनने के लिए आते हैं ना, खाली हाथ में नोटबुक लेकर के आना है। महाप्रभु कहते हैं ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। महाप्रभु का भावना है, जिसको देखो दुनियादारी की बात मत करना, उसी सास गोह में लड़ाई हो रही है, घर में बहू चली गई, दुनिया की बात नहीं करना। किसकी बात करना है? भगवान की बात करना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं,
आन कथा ना कहिबे, आन कथा ना बोलिबे, जदि मिलिबे आने। मतलब है भगवत चर्चा छोड़ करके कभी भी दूसरे चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि उसमें अपना भी हानि है और उसमें दूसरा का भी हानि है। लेकिन भगवत कथा में अपना भी लाभ है, दूसरा का भी लाभ ही लाभ है, ठीक है ना। इसलिए कथा ऐसे सुनो जिसे दूसरों को सुना सकते हो। हैं गुरु जी कहते थे जब दो बार कथा में आओ नहीं तो धाम में आओ, दस दस लोगों को लेकर के आओ। कितने कितने लोगों को? कब दस लोगों को लेकर के आओगे जब कथा सुनाओगे? ऐसे तो ला ही नहीं सकती हो। जब धाम के बारे में भगवत चर्चा करोगे तभी तो दस लोगों को लाओगे, नहीं तो लाओगे कहाँ से। इसलिए उसमें दोनों का ही लाभ है कथा में, ठीक है ना। ध्यान देकर सुनना और सबको याद रखना, ठीक है। इसलिए कहते कथा सुनने के लिए शंकर भी कहाँ से आते हैं? शंकर जी कैलाश कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहते एक बार त्रेतया योग माही शंभो गए कुंभ ऋषिपाई। अगर शंकर जी को कथा सुनने की इच्छा हो, वो कैलाश छोड़ करके अकेले नहीं, वो सती को लेकर के आते हैं, अपना पार्वती को लेकर के आते हैं। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं ना, अकेले कोई कथा सुनने बताओ, लक्ष्मी आओ तो नारायण को लाओ, नारायण आए तो लक्ष्मी को लेकर के आओ। मतलब दोनों पति पत्नी मिल करके आओ कथा सुनने के लिए। बोले ऐसे क्यों? बोले कारण है, जैसे आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, आप स्वयं देख लेना कथा के बाद में हृदय इतने परिवर्तन हो जाता है, इतने हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनको पता चलता है ये मानव जन्म का उद्देश्य क्या है, भगवान हमें ये मानव जन्म क्यों दिया है, इस विषय पर आपकी पूरा लक्ष्य आपका जीवन का पता चलता है। भैया जब पता चलेगा जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान स्वयं अयोध्या वासियों को कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं 84 लाख योनि भ्रमण करते करते। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचो। अगर इस जीवन में भजन नहीं किया, भगवान कहते हैं पर सर तो पिटते रह जाओगे लेकिन मानव शरीर मिलेगा नहीं, पेड़ रह करके एक जगह पर खड़े रहोगे, गर्मी सर्दी सहन करोगे, कोई काट लेगा, बकरी बन गया तो सीधा सीधा मुसलमान काट कर खा लेंगे, हैं मुर्गा बना तो सीधा नोचड़ पी ले खा लेंगे, हैं ये चीज पता चलेगा कथा में, ये ज्ञान होता है। अगर पत्नियां अगर अकेली कथा सुनने के लिए आए, पति नहीं आए, फिर पत्नियां क्या करेगी? हरिनाम करेगी, माला करेगी, तिलक लगाएगी। अगर पति नहीं आए तो क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई तू, हैं ये तिलक कंठी माला ये सब क्या है। लेकिन अगर पति लोग आए इनको पर भी रंग चढ़ेगी, फिर पत्नी लोग क्या बोलेंगे? बोले काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो। लेकिन अगर दोनों आओगे तो क्या होगा? ये दोनों को पर रंग चढ़ेगी। भैया दो पहिया में तो गाड़ी चलती है ना, गाड़ी तो दो पहिया में चलती है, फिर तो तुम्हारी बढ़िया संसार का गाड़ी बढ़िया चलेगी। बोले दोनों चलो कथा में, चलो दोनों वृंदावन चलो, दोनों नवद्वीप धाम चलो। इसलिए देखो यहाँ पर कोई अकेले नहीं आ रही, यहाँ पर स्वर्ग से देवता आए भी तो देवी को साथ में, ब्रह्मा ब्रह्माणी को साथ में, शंकर सती को साथ में, और भगवान विष्णु भी लक्ष्मी को साथ में कथा सुनते हैं। इसलिए कहते जो कथा रस है, कहते ये वैकुंठ में भी कथा नहीं, कहते वैकुंठ नास्ते हम रस। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले गया हो गरुड़ जहाँ बस हे भूसुंडा राम चरण अति भक्ति अखंडा। अगर कहीं भगवत कथा हो वैकुंठ छोड़ करके स्वयं, गरुड़ भी वैकुंठ छोड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो आज हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं, कथा सुनने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक से, शंकर शिव लोक से,
गरुड़ वैकुंठ से। लेकिन जयपुर वासियों को सौभाग्य देखो, आपको घर छोड़ना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा, और कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते अपना घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठ बैठ करके स्नान कर लिया, बैठ बैठ करके हम लोग ने स्नान कर लिया है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है। इसलिए शास्त्र में आज जो हम कथा सुनने के लिए आए हैं, ये कथा के सब अलग अलग नाम बताया। कहती ये ब्रज गोपियां क्या कहती हैं, बोले कथा नहीं, ये गोपियां क्या कहती हैं, बोले तब कथा मृतम तप्त जीवना कभी मेरे प्रेतम कलमसा श्रावण मंगला श्रीमगा इसलिए ये ब्रज की गोपियां कहती है, राधा रानी कहती है, कल आप सबसे पूछूंगा जो बोलेगा ना, मैं इसको इनाम दूंगा। यहाँ पर शास्त्र में कथा को अलग अलग नाम बताए, अरे क्या अलग अलग नाम है, जो बोलेगा कल मैं इसको इनाम दूंगा, ठीक है, ध्यान लगा कर सुना, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है। कहती ये राधा रानी कहती है, ब्रज गोपियां कहती है कथा नहीं, कहते हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा अमृत है, ये कथा अमृत को जो पान करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए कथा को यहाँ पर सात विशेषण दिया, जो कथा सुनेगा उसको सात लाभ होगा। कितना लाभ होगा, क्या क्या बोलो। इसलिए पहला लाभ कहते हैं कथा सुनने का, कथा को जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। और सचमुच से देखो जिन जिनियों ने कथा सुने ना अमर हो गई। परीक्षित को देखो, सुखदेव गोस्वामी को देखो, ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद को देखो, ब्रह्मा जी को देखो, नारद जी को देखो, व्यास को देखो, इसका नाम अमर है कि नहीं जगत में। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ बताए, जो ये कथा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त होगा। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले हम सबके सब संसार में दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बेटा से, कोई बहू से, कोई सास से, परेशानी परेशानी संसार में। लेकिन यहाँ पर कहती हैं ये कथा को जो सुनेगा ना, तप्त जीवनम, तुम्हारा जो उत्तप्त जीवन, जो दुखमय जीवन है वो संपूर्ण शांति हो जाए, जीवन में तुमको शांति मिलेगी, कथा सुनने से सारे दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसका प्रमाण देख लो, हम संसार में किसी ना किसी तरह से सब दुखी है। आप लोग देख लेना, जब तक जैसे 2 घंटा यहाँ पर बैठोगे ना, अभी कोई संसार की बात तुम्हें याद है, संसार का जो परेशानी तुम्हें कोई याद है, बोलो कोई याद है, कोई भी याद नहीं। लेकिन ये गेट को पार करो, केवल ये गेट को तुम पार करते ही ना, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये समस्या, घर में ये दिक्कत है, पहाड़ जैसे सर पर आकर सारे दुख बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक ये कथा में बैठे हैं ना, तब तक ये कोई दुख कष्ट तुम्हें सता नहीं सकते। क्यों, बोले कथा नहीं, आप श्री गोविंद देव मदन मोहन की गोद में बैठो। कहाँ पर बैठो, मदन मोहन जी की, कृष्ण की गोद में यहाँ पर बैठे हुए हो। इसलिए कहते हरी कहाँ पर है, बंगला में एक कहावत है, बोले हरी कोथा है, बोले हरी कथा है, हरी और कहीं नहीं है, हरी केवल भगवान की कथा में ही भगवान का निवास है। इसलिए गोपियां कहती है जो कथा सुनेगा ना, जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले कलमसा अपहम, तीसरा लाभ है जो कथा सुनेगा, जीवन का जितने पाप है ये सारे पाप भी तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि सारे दुख कष्ट का कारण है ये हमारी प्रारब्ध है, हाँ, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म करते करते आए, सारे दुख कष्ट का फल है ये प्रारब्ध है, हैं? लेकिन जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा ना, उसका सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएगी, हैं? कथा सुनने से उसकी प्रारब्ध नष्ट हो जाएगी। बोले श्रवण मंगलम,
उसका चौथा लाभ बताए, जो ये भगवत कथा सुनेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जीवन का जितने सारे अमंगल है वो तो सारे अमंगल भी कथा श्रवण से सारे अमंगल भी दूर हो जाएगा। उसका पंचमा लाभ क्या है? बोले श्री, श्री मतलब होता है शोभा, श्री मतलब होता है जस, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है संपत्ति। कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा, जीवन में आपको सारे शोभा सौंदर्य जस सब कुछ कथा में ही मिलेगा। आप लोग देख लेना, जगत में बड़ा बड़ा जस है, लेकिन अभी आप देखोगे जगत में सबसे बड़ा जस किसकी है? जो जगत में बढ़िया से कथा सुनाती है, भगवान की जो कथा। प्रभुपाद का नाम क्यों बताओ? ये घर घर में प्रभुपाद क्यों पूजी जा रहे हैं? हमारे गुरु जी घर घर में क्यों पूजी जा रहे हैं? क्या करते थे हम? खिलाते थे ना? क्या करते थे? केवल भगवान की कथा बोलते थे, केवल हरि की चर्चा करते थे। हनुमान जी की कथा क्यों जगत में घर घर में पूजा होती है? क्यों? बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां पर प्रभु की कथा हो हनुमान जी पहुंचते हैं, कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। इसलिए कथा सुनने पर क्या होगा? जगत में तुम्हारी जस बढ़ेगी, स्त्री सौंदर्य संपत्ति सब कुछ तुम्हें कथा से ही मिलेगी हैं? और दा मतलब क्या है? कहते जो कथा श्रवण करेगा उसकी जो संसार का जो बंधन है, ये सारे बंधन तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, सारे संसार का बंधन नष्ट हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अर्णचक्र खोल दे, बड़े बड़े दान करे, लेकिन प्रभुपाद कहते उसमें जितने पुण्य मिलेगी, जितने पुण्य मिलेगी, एक एक नहीं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल अगर तुम खोल दो, अर्ण छत्र खोल दो, प्रभुपाद कहते जो पुण्य मिलेगी, अगर एक व्यक्ति को किसी तरह से भगवान की भक्ति की बात सुना करके, भगवान की भजन की बात सुना करके, अगर किसी ने एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर लिया, प्रभुपाद कहते हैं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोलने से भी ज्यादा उसकी पुण्य मिलेगी, भक्ति मिलेगी, जब एक व्यक्ति को भगवान की भजन में कोई लगा दे, प्रभु की भजन में अगर कोई लगा दे, कितने महिमा एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगाने का। इसलिए राधा रानी क्या कहती हैं, जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? जो ये कथा को दान किया। इसलिए आज हमारे श्री केशव प्रभु जी, हाँ, इन्होंने बोले ये चैतन्य भागवत हो, इनके लिए ताली बजा कम से कम, बोले हमारी तरफ से हम लोग ये कथा को दान करते हैं, महाप्रभु की कथा दान करते हैं। इसलिए ये कथा को गोपियां क्या कहती हैं, वो सीढ़ी के ऊपर जो बैठे हुए, क्या नाम उसका, जती, कापी पेन लेकर का, कल तुमको पूछूंगा तुमने क्या कथा सुनी, ऐसे घूमना नहीं। गुरु जी जब कथा करते हैं ना, माला नहीं करने नहीं बैठते, कथा सुनते ध्यान से। हाँ, इसलिए ये गोपियां कहती हैं ये कथा की सात फायदा है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, भागवत ग्रंथ में ये भगवत कथा की अलग अलग नाम दी गई है। कहते सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वो कहते हैं बोले निवृत तस्य रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोविरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यते बिना पशुनाथ। सुखदेव गोस्वामी कथा को कहते हैं बोले निवृत तस्य रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोविरामात। वो कहते हैं अगर ये संसार रूपी समुद्र से, संसार रूपी दुख कष्ट से अगर कोई पार होकर के भगवान के परम आनंद को कोई प्राप्त करना चाहते हैं, परम शांति को, भगवान की परमानंद को, भगवान का दिव्य धाम को अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं, बोले भैया सबसे बढ़िया मेडिसिन क्या है? कोई बीमारी हो ना मेडिसिन लेते हैं, कहते भैया भगवान की कथा जैसे कितना बड़ा सुंदर मेडिसिन है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़िया मेडिसिन है। आप बोलोगे, आप लोग एलोपैथिक मेडिसिन खाए ना, कैसे खाते हैं, मुंह में डालकर झट पानी देकर गटका लेते, क्यों? बहुत कड़वा होता है,
एलोपैथिक मेडिसिन। कहते आपने बताया ये मेडिसिन ही बड़ी, ये भगवान की कथा मेडिसिन। बोले हाँ। बोले भाई भैया बहुत कड़वा तो होता होगा ना। बोले नहीं। बोले स्रोत मनोभिरामात, ये कान और हृदय को अगर जगत में सबसे ज्यादा कोई आनंद देने वाले है ना, ये भगवान की कथा में जितने आनंद है, जितने रस है, देखना जगत में और कोई किसी चीज में इतने आनंद, इतने रस दुनिया में किसी चीज में भी नहीं, किसी चीज में नहीं। नहीं तो देवता लोग ब्रह्मा शंकर जी क्यों छोड़ करके आते हैं कथा सुनने के लिए। स्वयं आप स्कंद पुराण पढ़ करके देखो, जब स्वयं नारायण ये कथा को बोलते हैं, लक्ष्मी बैठ कर सुनती है। जब लक्ष्मी बैठ करके सुनाती है, नारायण स्वयं बैठ कर सुनते हैं। जब शंकर जी बोलते हैं, पार्वती स्वयं बैठ कर सुनती है। जब पार्वती सुनाती है, शंकर बैठ कर सुनते हैं। ये जितने पुराण किया है बताओ, शंकर जी बोले पार्वती सुनिए सब। जो देव देव महादेव, जो सत्यम शिवम, दिन रात इनका और कोई काम नहीं है, शंकर पार्वती का और कोई काम नहीं, हरि कथा के सिवाय, प्रभु की चर्चा के सिवाय इनका और कोई काम नहीं है। इनकी हरि चर्चा ही जिनका जीवन है। और हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले तुंडे तांडविन बित बितनुते तुंडा बलि लब्धे करना क्रणो कड़विनी घटयते बुद्धम स्प्रियाम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते कृष्ण कथा, कृष्ण नाम इतने मीठा, इतने मीठा है। कहते कर्ण करड़ो कड़विनी घटयते करना बुधेव स्प्रिया। जब ये कृष्ण नाम कानों में प्रवेश करता है, जब हृदय में जाता है ना, लगता है जैसे आनंद की धारा बरस रही। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि करना जानते ही नहीं, इतने सुंदर कथा को सुनने के लिए ये एक दो कान क्यों दे दिए। वो कहते हैं हमें ये करोड़ों करोड़ों कान हमें क्यों प्रदान नहीं किए। और जिह्वा पर जब उदय होता है, कहते तुंडे तांडव निबिते बितनुते तुंडा बलि लब्धे, उनको लगता है ये अर्बुद खरबुद जिह्वा क्यों नहीं दे दिए, एक जिह्वा क्यों दिए, भगवान की कथा और भगवान की नाम को करने के लिए इतने भगवत नाम में रस है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा नहीं, ये भवसागर से पार होने का सबसे जो मीठी दवा है ना, ये भगवान का नाम, भगवान की कथा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठ और कथा इसमें, कथा सुनते सुनते बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारी। और परीक्षित महाराज के ना कुछ भी नहीं किया, कथा ही सुनी और सुनते सुनते भगवान को पास में, ठाकुर को पास में सुनते सुनते चले गए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, केवल सुनते सुनते गए। इसलिए यहाँ पर कहते भव औसत छत्र मनोभिरामात, ये जो भगवान की कथा है, हृदय और ये कान को सबसे बड़ा मजबूत बनाने का जो दवा है ना, ये भगवान की कथा है। इससे आनंद जगत में कुछ भी नहीं। भगवान कपिल देव क्या कहते हैं, अपना माँ को क्या कहते हैं, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर जसंविदौ भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। भगवान कहते बोले माँ कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तू कथा सुन। अगर ये भवसागर से पार होना चाहते हो, अगर ये मन को मनमोहन में लगाना चाहते हो, एक ही काम करो माँ, केवल तुम कथा सुनो और कुछ करने का जरूरत नहीं। वो कहते कथा किया, बोले रसायन। रसायन किसको कहते हैं, कहते ये 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन जड़ी बूटी से ये रसायन बनती है, जिसको पान करने से शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और शरीर में ना एकदम चुस्ती आ जाएगी, शरीर में एकदम ताकत आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते ये कथा नहीं, ये क्या है, ये रसायन है। अगर इसको पान करोगे तो क्या होगा, बल तुम्हारे हृदय कर्ण रसायन माँ, ये कथा सुनोगे तो तज्जसन आसु अपवर्ग वर्तमनी। कहते प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, प मतलब क्या है परिश्रम, फ मतलब होता है फेंट, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। मतलब अगर कथा को कोई सुनेगा तो
सब दुनिया के संसार से पार होकर के भगवान के चरण में पहुंच जाओगे। धीरे धीरे भगवान की चरण में रति, कथा में श्रद्धा रति और उनको भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाए। इसलिए भागवत में भगवत कथा को अगर सुनोगे ना, ये कथा को अलग अलग सब नाम दिया, अलग अलग नाम दिया। और इसे सुतो गोस्वामी कहते हैं, काल व्यालम मुखम ग्रास त्रास निर्नस है सबे। कहती है कलिजुग नहीं, ये एक सर्प है, ये ब्याल, ये मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है, ये जीव को धीरे 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 निगल रहा है, जीवों को ये निगल रहा है। लेकिन सबको तो निगल रहा है, लेकिन किसको निगल नहीं पाएगा? बोले तस्सरिते जम खणम नीत भूतम श्लोक वार्ताया। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं कि जो सूरज है ना, कहती है सूरज नहीं, कहती है काल, ये काल है। जैसे पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में जब अस्त हो जाता है, हम कहते हैं ना लाला हमारे बड़े है रहे हैं, कोई बड़ा नहीं हो रहे हैं, सबके सब हम छोटे हो रहे हैं, हैं? कहते कितने साल? बोले 50 साल के हो गए हम। बोले 50 साल के नहीं हो गए, 50 साल हमारी नष्ट हो गया है, हमारी खत्म हो गई 50 साल है, हैं? लेकिन कहते ये सबका समय तो काल नष्ट करता है, लेकिन किसकी समय को नष्ट नहीं कर सकता है? बोले जितना समय हम भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में, भगवत भजन में जितने समय लगाते हैं, उतना समय को ये काल नष्ट नहीं कर पाता है, नहीं तो सारे समय को ये काल नष्ट कर देती है, सबका समय को। इसलिए उन्होंने बताया काल व्यालम। एक उदाहरण देकर समझाते हैं, आप देखना नेवला सांप में कभी कभी लड़ाई होता है, देखे हो कोई? कहाँ देखे हो? इसलिए सांप और नेवला में लड़ाई होती है। अब देखना सांप जब नेवला को कभी काट देता है ना, ये नेवला को पता है वो कौन सा जड़ी बूटी जिसको खाने से फिर चुस्ती आ जाएगी। अगर सांप अगर नेवला को काट देगा ना, नेवला क्या बोलेगा जानते? बोले एक्सक्यूज मी, रुक जा अभी मैं आता हूँ, थोड़ी सी रुक जा। वो नेवला को पता है कौन सा जड़ी बूटी, वो छट जाएगा अभी, लेकिन ढूंढ करके खा लेगा, वो जड़ी बूटी को खा लेगा, फिर शरीर में ताकत, फिर लड़ेगा आकर। अगर किसी कारण से फिर अगर सांप काट देगा ना, बोलेगा एक्सक्यूज मी, रुक जा मैं आता हूँ अभी, वो जाएगा फिर। आप देखना ऐसे करते 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 लास्ट में नेवला सांप को काट कर खा जाता है, लास्ट में उसको काट देता है। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं काल व्यालम, ये काल तो ये ब्याल सर्प है, लेकिन ये काल रूपी सर्प किसको ग्रास नहीं कर सकता है, कौन बच सकता है? बोले तस्सरिते जम खणम नीत ऊतम श्लोक वार्ताया। जितना समय हम ये हरि चर्चा में अगर कोई सुनता रहेगा ना, केवल प्रभु की कथा अगर कोई सुनते रहे, ये काल रूपी जो ब्याल है, जो सर्प है, तुम्हें ग्रास नहीं कर सकता, ये तुम्हें ग्रास नहीं कर सकती है। अगर ये कथा को अगर कोई सुनेगा तो ये काल सबका समय को नष्ट कर रहा है, लेकिन आप जो कथा सुन रहे हैं ना, आपका समय को नष्ट नहीं हो रहा है, केवल आपका समय नष्ट नहीं हो रही, नहीं तो सबका समय नष्ट हो जा रहे हैं। इसलिए भागवत में आप पढ़ करके देखोगे ना, इतना कथा की विशेषण दी गई, इतनी कथा की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। ये कथा को उन्होंने बताई है कल्प तरु है। कल्प तरु किसको कहते हैं? बोले जिस वृक्षों को नीचे बैठ करके आप जो मांगो ना, वो वृक्ष आपको वही दे देगा, इसको कहते हैं कल्प तरु। कहते आप कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? कल्प वृक्षों को नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो कुछ मांगेंगे हमारी ये कथा हमारी समस्त इच्छा को पूरी कर देगा। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो 7 दिन तक भगवान की चर्चा, कृष्ण कथा और श्री चैतन्य महाप्रभु कथा हम सुनने के लिए हम यहाँ के सबके सब उपस्थित हम हुए हैं। ठीक है, अभी हम महाप्रभु की कथा सुनेंगे, 1 मिनट हम कीर्तन कर लेते हैं। हम मेरे पीछे पीछे सब ताली बजाते हुए गाना, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे
जिसमें माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं। बोले प्रभु, शंकर जी दिन भर क्या करते हैं? बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा। शंकर जी पंचमुख में भगवान का कीर्तन ही करते हैं, ठाकुर का नाम ही शंकर जी करते हैं। एक समय पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु आपका मुंह से तो मैंने भगवान के अनंत नाम सुना है, इसलिए कहते ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, कृष्ण गोविंद दामोदर राम नृसिंह बहुत नाम आपका मुंह से हमने सुनी है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है आप कभी कभी श्री सच्चिदानंदन गौर हरि गौरांग हैं, इसलिए कभी कभी आप ये सब नाम को कभी कभी बोलते चैतन्य, कभी कभी ये नाम भी कभी कभी मैं सुनने को मिलता है। प्रभु ये गौरांग कौन है? अरे ये सच्चिदानंदन गौरहरि कौन है? आप कृपा करके हमें थोड़ा बताओगे? कौन प्रश्न कर रही है, किसको बोल रही है? इसलिए मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ। जैसे जगत में बहुत सारे अवतार हैं, कोई इधर उधर आ करके थोड़ी सी कोई चमत्कार कोई दिखा दिया ना, हम कहते भैया अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान। भैया भगवान हर समय नहीं आते, भगवान हर समय नहीं आते हैं। भगवान जैसे यहाँ मोदी आएगा, अगर आएगा तो ऐसे मोदी आ जाएगा, साधारण एक प्राइम मिनिस्टर आएगा ना, पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, न्यूज पेपर में निकलेगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ पर वो भाषण देगा, इतना सारी व्यवस्था हो एक साधारण के प्राइम मिनिस्टर आने के लिए। जब गोलोक वृंदावन से भगवत जगत से जब कोई अवतार होते हैं वो ऐसे टपक नहीं पड़ते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं। जैसे अभी कलयुग में कल की अवतार होगा, अभी कल के अवतार हुए नहीं, कल की अवतार होगा, भागवत पढ़कर देखो लिखा हुआ है, बोले संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। भागवत में लिखा हुआ है, कभी ये संभलपुर ग्राम ने विष्णु जस जिसका पिता ना का नाम है विष्णु जस ब्राह्मण विष्णु जस कल की प्रादुर्भविष्यति, कल युग में भगवान विष्णु जस के पिताजी विष्णु जस बनेगा, संभलपुर ग्राम में जन्म लेंगे, ये पहले से भागवत में लिखा हुआ है। जो बुद्धा अवतार भागवत में पढ़ कर देखो किकट देश वहां पर लिखा हुआ है, हैं? इसलिए उसी तरह जो भगवान जब आएंगे ऐसे नहीं आ जाते हैं, भगवान अपने आप टपक नहीं पड़ते हैं, पहले उसके लिए बड़ी व्यवस्था होती है, शास्त्र में अनाउंसमेंट हो जाते बोल देते हैं तब भी जाकर कोई भगवान आते हैं। इसलिए ये अनंत संहिता की ये कथा है, पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती, बोले प्रभु कभी कभी ये गौरहरि गौरांग नाम लेते हो, ये गौरांग कौन है, ये गौरहरि कौन है, आप कृपा करके हमें सुनाने का कोशिश करोगे, कष्ट करोगे? जब इतनी सी बात बोली ना, शंकर प्रेम में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए शंकर जी, प्रसन्न हो करके उन्होंने पार्वती को आलिंगन किया। बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न की हो, चूंकि ये पार्वती कौन है? कहते ये उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय बन। ये राधा रानी की एक एक प्रकाश है कि जितने समस्त देवी आए, ये राधा जी की प्रकाश है। बोले हे पार्वती इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए है क्योंकि तुम ये राधा रानी की प्रकाश है ना, इसलिए इतने सुंदर तुमने कोशिश की, शंकर जी आलिंगन किए। फिर शंकर जी बोलते हैं, बोले देखो पार्वती ये जो गौरहरि है ना, इसलिए इनका नाम एक गौरहरि। बोले नाम गौरहरि क्यों नाम पड़ा? बोले गौर मतलब ये गौरी राधा रानी, हरि मतलब होता है कृष्ण, ये दोनों मिल करके कलयुग में श्री सच्चिदानंदन गौरहरि बन करके आएंगे। बोले श्री सच्चिदानंदन गौरहरि की जय। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्री स्वरूप दामोदर, बोले ये स्वरूप दामोदर कौन है? कहते स्वरूप दामोदर ये ललिता सखी है। वो कहते हैं ये महाप्रभु है कौन? बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात
देहात्मना भूमि पुरौ देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयं चैकमाप्तम् राधा भाव दुति सुबलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम। वो ललिता सखी कहती हैं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति। बोले राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण प्रेम को अगर कहिए कि मूर्तिमान रूप दिया जाए ना, ये श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण प्रेम ही एक उसने ये मूर्ति धारण किया है। इसलिए गुरु जी कहते हैं राधा जी का दो रूप है, एक मूर्त एक अमूर्त। मूर्त मतलब मूर्ति रूप में दर्शन कर राधा रानी खड़ी है ना, राधा रानी खड़ी ये मूर्ति है। बोले अमूर्त कहते हैं क्या है? बोले अमूर्त मतलब होता है कहते महाभाव स्वरूपास राधा ठाकुर। कृष्ण प्रेम ही जब एक रूप धारण करती हैं ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात। ये कृष्ण की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति शक्ति मत और अभेद। राधा कृष्ण तत्व तो ये दो नहीं, ये एक ही है। जब कृष्ण ने देखा ये अकेला में लीला नहीं कर पाऊंगा, जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष नीचे कृष्ण खड़े हुए गोविंद देव अभी सोच रहे हैं लीला करने के लिए रास लीला करेंगे। बोले एक रूप में तो लीला नहीं कर सकते हैं। इतने में राधा कृष्ण का वाम अंग फड़कना शुरू किया। वो फड़कते फड़कते एक दीप मूर्ति धारण किया है, हैं? इसलिए रासलीला से प्रकट हुई, इसलिए इनका पहला नाम अक्षर हो गया रा। और प्रकट होकर किया कि सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के कृष्ण के चरण की पूजा करने के लिए धावित हुई। धावित मतलब दौड़ना, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा नाम पड़ गया, है राधा नाम पड़ गया। इसलिए कृष्ण ने देखा जब लीला करना चाहते हैं वो चूंकि अकेला लीला कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कृष्ण ही एक दूसरे स्वरूप में श्री राधा रानी रूप में प्रकट हुए। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कि दिया जलती है, हैं? एक जगह पर तेल एक जगह पर, लेकिन दो दिया दो तरफ में जल रही है, दो दिया दो तरफ में, लेकिन तेल वो एक ही है। तत्व तो राधा कृष्ण कोई दो नहीं, तत्व तो राधा कृष्ण एक ही है। जैसे एक जड़ से दो कमल फूल जैसे खिले हुए हैं, ये कौन है? एक राधा और श्री एक श्री कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं राधा कृष्ण दो नहीं, राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन जब वो दो रूप धारण करते हैं ना वो श्री राधा कृष्ण, लेकिन जब एक रूप धारण करते हैं वो कौन है? बोले श्री सच्चिदानंद गौर है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरा देह भेदौ गतौ तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयं चैकमाप्तम् राधा भाव दूत सुबोलितम् नवमी कृष्ण स्वरूपम्। कृष्ण ही कलियुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के कलियुग में श्री महाप्रभु रूप में आए। इसलिए देखना भगवान की जितने अवतार है ना सब काले, कृष्ण भी काले, राम भी काले, नरसिंह देव काले, सब काले काले देखोगे, लेकिन एक ही रूप गौरांग है। कौन है ये गौरा महाप्रभु? श्री चैतन्य महाप्रभु केवल एक रूप गौर महाप्रभु। कारण किया कि तो अंत कृष्ण बहिर गौर, वो अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर में गौर है। राधा रानी कृष्ण का आलिंगन की, बोले क्यों क्यों आलिंगन की? बोले कारण है राधा रानी बड़ी दयालु बड़े कृपालु और कृष्ण की सेवा करती हैं, गोविंद देव की सेवा करती हैं, इसलिए कभी भी राधा रानी कृष्ण के दुख को कभी सह नहीं सकती। कलियुग में महाप्रभु कृष्ण ही कलियुग में राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती हैं? कृष्ण प्रेम में कृष्ण राधा रानी कैसे पछाड़ खा कर कैसे गिरती हैं? इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं भैया ये प्रेम तो मेरे को कभी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। इसलिए वो राधा जी के भाव को आस्वादन करने के लिए कलियुग में कृष्ण राधा जी के भाव हम कांति ली। अभी राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण तो राधा जी के भाव को लेकर के आए, ये भी तो इसे पछाड़ खा कर गिरेंगे,
लेकिन जब पछाड़ खा कर गिरेंगे, कृष्ण का शरीर कितने कोमल है, कितने कोमल गोविंद देव है, जब वो पछाड़ खा कर गिरेंगे उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए मैं उनको आलिंगन करके रहूंगी, जब पछाड़ खा कर गिरेंगे ना, वो कष्ट मेरे गोविंद देव को नहीं होगा, कष्ट मुझे होगी, कष्ट मुझे होगी। इसलिए राधा रानी क्या की, कृष्ण को ऐसे आलिंगन करके, कृष्ण इसलिए उनका नाम बड़ा गौरव हरि, ये कौन कह रहे हैं, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले इनका एक नाम है चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। बोले इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा, कहते उन्होंने जब सन्यासी ग्रहण किया महाप्रभु, इनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों उन्होंने महाप्रभु सन्यासी क्यों लिए, दुनिया में हरि भक्ति को प्रचार करने के लिए। इसलिए उन्होंने जगत में कृष्ण रूपी चेतनता को, कृष्ण रूपी ज्ञान को, कृष्ण भक्ति को जो सर्वत्र प्रचार और प्रसार करेंगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। लेकिन इनका एक नाम चैतन्य है, शंकर जी कहते इनका नाम चैतन्य नाम क्यों पड़ा, इनका नाम चैतन्य नाम क्यों पड़ा। बोले कारण है, विश्व सृष्टि से पहले जो एक चेतनता पूर्वक अगर दुनिया में कोई था, एक चेतनता रूप में स्वयं महाप्रभु जगत में थे, अकेले कृष्ण ही महाप्रभु जगत में एक चेतनता स्वरूप में थे। क्योंकि उसको बाद में फिर दो हुए, फिर राधा रानी से जितने शक्ति और कृष्ण से जितने सबके सब अवतार प्रकट हुए, धीरे 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 ये विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ। इसलिए जगत में अगर एक चेतनता रूप में कौन थे, श्री चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया चैतन्य। और इनका एक नाम विश्व भर है, क्या नाम है इनका, नाम नीलांबर चक्रवर्ती ने विश्वंभर भी नाम दिया। बोले विश्वंभर नाम क्यों दिया, वो इसलिए दिया जो विश्व ब्रह्मांड को भक्ति से प्रेम से, जो विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करते हैं विश्वंभर है। और चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए, पूरा विश्व ब्रह्मांड इतने सुंदर बारिश फल फूल से पूरा पूरा नवद्वीप धाम दुल्हन जैसे सज गई। इसलिए श्री नीलांबर चक्रवर्ती बोले ये बेटा जन्म होने का साथ साथ पूरा ये पृथ्वी हरी भरी हो गई और पृथ्वी धन दौलत में भर गई। जिसने विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करते हैं इनका नाम विश्वंभर नाम पड़ा। ये शंकर जी पार्वती को सारी बात सुनाए, फिर उन्होंने सुनाए बोले देखो, बोले एक समय क्या हुआ, ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ इसकी कथा सुन लो। नवद्वीप धाम गए हो, कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ जोर से, हाँ नवद्वीप धाम गए हो। तब यहाँ पर श्री ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकट हुआ और महाप्रभु कितने दयालु, इतने में फिर पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं। बोले प्रभु फिर ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, आप कृपा करके बताओ, और ये नवद्वीप धाम क्या है, ये नवद्वीप धाम क्यों प्रकट हुआ, और ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, और इनकी भक्ति की क्या महिमा। जब पार्वती पूछी फिर शंकर जी बोले, बोले देखो पार्वती, एक समय श्री अनंत देव उन्होंने महाविष्णु के पास में गए। महाविष्णु को बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से मैंने सारे धाम को मैंने गया हुआ है, लेकिन एक धाम अभी तक मैं नहीं जा पाया। बोले बताओ कौन सा नहीं जा पाए। बोले श्री एक धाम है जिसका नाम श्री वृंदावन धाम है, अभी तक मैंने ये वृंदावन धाम नहीं जा पाए, इसलिए आप आशीर्वाद करो जैसे मैं ये वृंदावन धाम को जा सकता हूँ। देखो ये वृंदावन धाम की कितनी महिमा, कौन कौन वृंदावन गए हो, हाथ उठा, अब लोग सब गए हो ना, लेकिन देखो ये वृंदावन धाम की महिमा को देखो। ये महाविष्णु कहते हैं, बोले अनंत देव ये जो वृंदावन धाम है ना, ये साधारण भूमि नहीं है, ये साधारण भूमि वृंदावन धाम नहीं है, लेकिन हमें तो ऊपर से क्या दिखती है, सूर्या घूम रही है, गैया घूम रही है इधर उधर, उजड़ा हुआ नाली बह रही है। शंकर जी कहते पार्वती कि जो वृंदावन धाम है ये चिन्मय भूमि है, यहाँ के गुल्म लता पशु पक्षी
साधारण नहीं, इसलिए कहते हैं ना वृंदावन के धाम को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा होई। इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, ये चिंतामणि धाम वृक्ष कल्प वृक्ष पानी अमृत है कथा गानम। अगर कोई बोलते है ना लगता है बड़े सुंदर कोई भजन गा रहे हैं, अगर वृंदावन में कोई चलता है लगता है बड़े सुंदर कोई नृत्य कर रहा है। बोले देखो ये धाम साधारण धाम नहीं है, वहाँ के जो यमुना है वो साधारण पानी नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम ही ये यमुना नदी रूप में बह रही है। ये यमुना कैसे बनी है? बोले एक समय मैया जसोदा कृष्ण को मोटी मोटी काजल लगा दी थी, हैं? एक दिन काजल लगा दी थी, एक दिन कृष्ण ने अपना भजन को सुना। जब कृष्ण अपना भजन सुना, भजन सुन करके कृष्ण का शरीर से श्वेत, उनको शरीर से श्वेत श्वेत समझ तो घाम निकली। जब घाम निकली वो घाम जो काजल में मिलते क्या हो गई? काली हो गई। पर काली होकर के उनका हृदय को स्पर्श करते हुए और बहते बहते जब उनको चरणों को स्पर्श करते हुए ये बही, ये कौन है? ये जमुना पटला है, ये जमुना महारानी। इसलिए ये जमुना कोई साधारण पानी मत समझो। बोले ब्रह्म द्रव्य गात्रव, कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के बहती है ना, ये जमुना पटरानी। कहते ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? कहते ये गिरिराज गोवर्धन कोई पर्वत नहीं है। कहते ये जो जमुना है राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर जमुना रूप में, कहते ये गिरिराज गोवर्धन क्या है? बोले राधा कृष्ण का जब प्रेम जब एकट होकर जम जाती है, जब ये जम जाती है, कभी ये श्री गिरिराज गोवर्धन, ये गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन ये स्वयं कृष्ण है। कहते राधा रानी तो कहती है हंताय अद्री अबला हरिदास वर्ज्य, ये हरिदास में श्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए वहां जैसे आप गए होंगे प्रेम सरोवर, देखो प्रेम सरोवर, ये प्रेम सरोवर क्या है? ये राधा कृष्ण जब द्रवीभूत होकर प्रेम में द्रवीभूत हुए तब ये प्रेम सरोवर है। एक मान सरोवर देखो, मान सरोवर, ये मान सरोवर क्या है? जब राधा रानी मान की मान करके उनका आंखों से जब आंसू बहना, कभी ये श्री मान सरोवर है। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड किया है, ये राधा कुंड नहीं, ये स्वयं राधा रानी। ये कृष्ण कुंड नहीं, ये कृष्ण है, ये राधा कृष्ण कुंड नहीं, ये राधा कृष्ण स्वयं ये कुंड रूप में प्रकट हुए। ये शंकर जी बात कह रहे, बोले पार्वती ये वृंदावन धाम को साधारण मत समझो, वो पहाड़ पहाड़ नहीं है, ये नंदीश्वर नंदगाम क्या है? ये शंकर स्वयं नंदीश्वर बने हुए, बरसाना कौन है? ये ब्रह्मा स्वयं बरसाना बने हैं। गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये कृष्ण बने हैं। सखीगिरी पर्वत कौन है? स्वयं सखियां वहां पर एक एक रूप धारण की है। बोले हे पार्वती ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए हे अनंत देव महाविष्णु कहते हैं मैं भी अभी तक वृंदावन धाम नहीं कर जा पाया। स्वयं ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी वृंदावन गए, गोपेश्वर महादेव देखे हो? कौन कौन देखे गोपेश्वर महादेव? स्वयं शंकर जैसे गोपेश्वर महादेव भी वृंदावन में प्रवेश करने के लिए गोपी बने, वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए, निकाल दिया उनको, चौकीदारी की काम कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी अभी भी बैल वन में बैठी हुई वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, उद्धव जी वहां पर घास भूसा बनने के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। इतने वृंदावन धाम की महिमा, ये अनंत देव को महाविष्णु कह रहे हैं भैया वृंदावन धाम में प्रवेश करना इतने आसानी बात नहीं। आप बोलोगे हम तो गए थे, कौन कौन गए थे? सब गए थे ना? आप बोलोगे हम गए थे, लेकिन फिर आप बोलोगे तो हम कैसे चले गए? हाँ देखो वृंदावन की दो स्वरूप है, एक तो वास्तव स्वरूप है और एक जो स्वरूप है वो माया का द्वारा ढका हुआ स्वरूप है। हम लोग जो वृंदावन गए हैं वो असली वृंदावन में नहीं, वो माया के द्वारा ढका हुआ वृंदावन है।
हम वो वृंदावन में गए, लेकिन फिर वृंदावन धाम दर्शन कैसे होगा? तब से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया कृपा कर जाल उठाए जखन, हमारे आंखों को सामने एक माया की पर्दा डला हुआ है, जब माया कृपा करके ये पर्दा को हटा देगी ना, फिर तो से वृंदावन धाम की जो दिव्य है, वृंदावन धाम का जो अप्राकृतित्व, तब भी हमें दर्शन मिलेगा, तब भी दर्शन मिलेगा। अभी हम वृंदावन दर्शन नहीं किए, ये महाविष्णु कह रहे, अनंत देव कह रही है बात को, इसलिए जो वास्तव स्वरूप है वृंदावन की, हम तक अभी दर्शन नहीं किए। जब श्री अकबर सनातन गोस्वामी के पास में गए और बोले सेवा करना चाहता हूँ, बोले जो सीढ़ी टूट गया कोना सही कर दो, बोले मैं बादशाह हूँ, अरे बोलोगे तो तुम्हारे लिए गौशाला बना दूंगा, बोलोगे तुम्हारे लिए मंदिर बना दूंगा, मेरे को कहते हो सीढ़ी का कोने को सही कर दे। सनातन गोस्वामी बोले बादशाह जी अकबर देखो तो सही, वो कोने को सही कर पाओगे कि नहीं? तो उन्होंने वास्तव वृंदावन दर्शन कराया, देखा जो सीढ़ी है ना हीरे जवाहरात से जड़ हुई, हीरे जवाहरात से उसने देखा, अगर मेरे देश को 7 बारी भी बेच दूंगा ना, वो सीढ़ी के एक कोने को भी मैं सही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही वृंदावन धाम है, इसलिए श्री महाविष्णु कहते हैं अनंत देव वृंदावन धाम जाना कोई साधारण बात नहीं। अनंत देव तो दुखी हो गए, बोले फिर तो मैं वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। देखो फिर श्री महाविष्णु कहते बोले एक उपाय है, बोले क्या है? बोले यही ब्रज प्रेम को देने के लिए कलियुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में श्री नवद्वीप धाम में जन्म हुए। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश करना चाहता है, एक बार श्री नवद्वीप धाम में चले जाए, नवद्वीप धाम में परिक्रमा करे और वहां के धूल को शरीर पर लगाए और श्री नवद्वीप धाम को एक बार कोई परिक्रमा करे और नवद्वीप धाम की जो धूल में कोई अगर लौट फोट उठाए और एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि की, अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, अगर कोई नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने चले जाए ना, महाप्रभु का कृपा हो जाएगा, तो फिर ये वृंदावन धाम में आसानी से ही प्रवेश हो जाएगा, आसानी से ही वृंदावन धाम में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बगैर, इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले गौरांगेर दुटी पदा, हम लोग तो बंगला में समझ में नहीं आए, ये बहुत बढ़िया भजन है, बहुत अच्छी भजन है। अगर कोई नवद्वीप महाप्रभु को कृपा पाना चाहते हैं, कृष्ण की गोविंद देव को कृपा पाना चाहते हैं, यहाँ पर कहते श्री महाप्रभु का कृपा नहीं होने पर गोविंद देव का कृपा तुम्हें नहीं मिलेगी, हैं? इन्हीं की कृपा पाना चाहते हो, महाप्रभु का कृपा पाना जरूरत है। इसलिए भजन में बहुत सुंदर भजन गाते हैं, सुनोगे भजन को? है तो बंगला भजन गालो तो सुनो, हाँ जल जल के गालो तो सुन ले भजन, तुम बजा दो। श्रीकांत कहाँ गया? इसको खोल दो भैया माइक। हरे कृष्ण बोलो। गौरा मेरा दुटी पदा जार भना संपदा, गौरा मेरा दुटी पदा जार धना संपदा, गौरा मेरा दुटी पदा पदा जय रघना
वास्तव रूप में राधा कृष्ण प्रेम को जो पाना चाहते हैं ना, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक तुमको राधा कृष्ण का प्रेम इतना आसानी से नहीं मिलेगा। महाप्रभु कृपा से ही तुम्हें अपने आप राधा कृष्ण प्रेम में तुम्हारी प्रवेश हो जाएगा जब महाप्रभु कृपा होगी ना। इसलिए शंकर जी यहाँ पर महाविष्णु कहते हैं, महाप्रभु को कृपा प्राप्त करो तभी तुम्हें राधा कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। फिर पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु आप बताएं ये नवद्वीप धाम को परिक्रमा करने से जब ये नवद्वीप धाम की कृपा होगी फिर हमें महा कृष्ण कृपा होगी, ये नवद्वीप धाम कहाँ से आया, ये नवद्वीप धाम प्रकट कहाँ से हुआ। फिर शंकर जी बोले पार्वती ध्यान देकर सुनो, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय ये कृष्ण बिना बोले राधा रानी को कहीं चले जाते थे और जब आते थे घूम करके राधा रानी देखती थी जो कृष्ण का जो मन है ना थोड़ा चंचल है, वो स्थिर नहीं, थोड़ा बेमन है। अभी राधा जी के मन में डाउट हो गया, बोले कहाँ जाते हैं, जैसे पति अगर बाहर कहीं जाए बोल कर जाएगा भैया जा रहा हूँ किसी काम में, फिर काम खत्म हो जाएगा फिर आ जाऊँगा, लेकिन ये छुप करके क्यों जाते हैं। फिर जब वहां से आते हैं इनका मन में चंचलता दिखाई पड़ती है, वो समझ गए दाल में कहीं काला है। एक दिन उन्होंने एक सखी को बोले एक दिन तुम एक काम करोगे, इनके पीछा करोगे, ये कहाँ जाते हैं, ये बोल कर क्यों नहीं जाते, जब आते हैं इनके मन में चंचलता दिखाई पड़ती है। एक दिन बोले ठीक है, एक दिन वो एक सखी को भेज दिए, वो सखी पीछे पीछे गई, वो घर जाते कहाँ। सचमुच से राधा रानी का डाउट सही था, वो जाते थे नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम है ना वहाँ जाते थे, जैसे उन्होंने देखा जैसे वृंदावन यमुना नदी बह रही है बड़ी सुंदर, वहाँ पर देखा गंगा भी कलकल नाद से बह रही है बड़ी सुंदर, जैसे वृंदावन में कदम बहे तमाल वृक्ष है बड़े सुंदर, बेली चमेली मालती वहाँ पर देखा, नवद्वीप धाम गए कि नहीं, वहाँ पर देखा नारियल का पेड़ है,
कटहल का पेड़, आम का पेड़ है, हैं, बड़े सुंदर केले का पेड़, अब लोग गए होंगे देखे होंगे, बड़े सुंदर श्री नवद्वीप धाम देखा, और देखा वहां पर एक सखी है जिसका नाम थी विरजा, वो बड़ी सुंदर एक सखी है। कृष्ण जाते हैं और वहां पर उनको साथ में कृष्णा अकेला में मिलते हैं। ये सखी ने ये बात को देख लिया, देख करके उसका नाम थी विरजा, सखी का नाम, वो आ करके बोले बोले देखो राधे, तुम जो मन में डाउट शंका कर रहे थे ना, ये सही है, हमने खुद अपना हाथों से देखा। राधा रानी बोली मेरे शंका सही निकली, राधा रानी पीछा की, जबकि इतने में वो जो बिरजा नदी थी उसने जब देखा ये राधा रानी आ गई, कृष्ण देखा, बोले राधा रानी को कैसे पता चला हमें यहाँ पर है, तो देख करके तो बिरजा नदी तो पानी होकर बह गई और कृष्ण तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो राधा रानी बोली ओ आप यहीं पर आते हो, हैं, मैं समझ गई हूँ, उनका नाम ही राधा, राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती है, कृष्ण की सारी इच्छाओं को जो पूरा करने वाली ये राधा रानी। इतने में राधा रानी वहीं पर खड़ी होकर के सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की, जब बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि सुन करके वहां पर कृष्ण दोबारा प्रकट हुए, जब बंसी ध्वनि सुन करके वहां पर दोबारा प्रकट हुए तो इतने में राधा कृष्ण है ना दोनों मिल करके एक स्वरूप हो गए, श्री महाप्रभु बन गए। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, दोनों मिल करके एक हो गए। जब एक हो गए जो सखियां थी ना, ललिता विशाखा चंपक लता, बोले ये क्या हुआ, ये तो दोनों मिलकर के एक हो गए महाप्रभु। इतने में जो ललिता सखी थी ना वो भी पुरुष रूप धारण कर दी, वो स्वरूप दामोदर बन गई। जो विशाखा सखी थी वो राय रामानंद बन गए, और जो रूपम मंजरी ये रूप गोस्वामी हो गए, और लवंग मंजरी ये सनातन गोस्वामी हो गए, तुंग विद्या ये हो गए श्री क्या बन गए, कहते श्री प्रबोधानंद बन गए, विलास मंजरी बन गए श्री जीव गोस्वामी। जितने सबके सब पुरुष थे ना, जितने स्त्रियां थी वो सबके सब पुरुष बन गए, पुरुष महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए, पुरुष हो गए। फिर तो महाप्रभु देख रहे हो जिस रूप में महाप्रभु खड़े हुए, ऐसे हाथ उठा करके, फिर सबके सब वहां पर जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे सब मिलकर के बड़े सुंदर कीर्तन किया, बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 बन गई, प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई राधा रानी ने देखा
कृष्ण को ये नवद्वीप धाम बहुत प्यारा है। तब राधा रानी क्या की, अपना हृदय से राधा रानी वो जो नवद्वीप धाम गए ना, कौन कौन गए नवद्वीप धाम में, वो नवद्वीप धाम नहीं, राधा रानी अपना हृदय से ये नौ कुंज उन्होंने बनाया है। कभी जो नवद्वीप धाम ये नौ राधा रानी के हृदय है। इसलिए जैसे राधा रानी बड़े दयालु बड़े कृपालु राधा रानी, जो व्यक्ति श्री नवद्वीप धाम जाए, नवद्वीप धाम में परिक्रमा करे ना, बस राधा जी की हृदय जितने दयालु जितने कोमल है, राधा रानी आसानी से महाप्रभु वो प्रेम को सबको ये प्रदान करते थे, सब जीवों को ये प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है। बोले श्री नवद्वीप धाम की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। अभी हम लोग श्रवण करेंगे कि जो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, देखो आप लोग ध्यान देकर सुनो, हम लोग महाप्रभु की अनुगत्य में राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले, इसलिए हमें राधा कृष्ण का महाप्रभु का प्रति हमारा जो विश्वास है ना, ये दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ही हमारे इष्ट है। अगर तुम्हारे इष्टों के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होगा ना, तुम्हारी जो भक्ति है वो डामाडोल सा भक्ति होगा। नहीं तो हम बोलेंगे जैसे अभी नए नए अवतार आते हैं, अमुक अवतार अमुक अवतार अमुक अवतार, कोई बोलेगा तुम भी एक महाप्रभु को अवतार बना दिया है, तो भी बोल दिया ये महाप्रभु के अवतार। लेकिन नहीं, महाप्रभु हमने बोलने पर अवतार नहीं, ये शास्त्र में ये लिखा हुआ है। जैसे कल की अवतार आएंगे पहले लिख गया है, महाप्रभु भी आएंगे ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आप लोग कहाँ कहाँ पर, हाँ पहले हम सुनेंगे ये भागवत में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ, भागवत में कहाँ कहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम कहाँ पर आया है, ये भागवत में कहाँ पर है। कहते भागवत में बोले जिस समय श्री गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण करने के लिए गोकुल में आए हैं, जब गर्गाचार्य ये त्रिकाल द्रष्टा ऋषि थे, जब उनने ध्यान लगाया ये कृष्ण कौन है, तब ये गर्गाचार्य स्वयं कहते हैं बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णो अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण ताम गत। बोले नंद बाबा तुम्हारी जो बेटा है ना, ये हर अवतार हर युग युग में आता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके ये तुम्हारी ये बेटा आया था, और जब त्रेता युग होगा त्रेता युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, और जब कलि युग आएगा स्वयं ये द्वापर युग में कह रहे हैं, जब कलि युग में ये आएगा तुम्हारी ये बेटा श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में श्री जगन्नाथ मिश्र, जिनके पिताजी का नाम होगा जगन्नाथ मिश्र और माता जी का नाम होगा सच्ची माँ, ये इनके बेटा बन करके कहते कौन सा रूप में, वहां बता दिए बोले ये गौर रूप में आएंगे, काला रूप में नहीं आएंगे, हर अवतार में तो ये काले हैं, लेकिन कली युग में ये श्री गौर हरि रूप में गौर अवतार में आएंगे। ये कौन कह रहे हैं, गर्गाचार्य। बोले इदानी अभी ये जो है ये कृष्ण रूप लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए यहाँ पर एक श्लोक है। दूसरा श्लोक कहाँ पर है, कहते भागवत में जब श्री नेमी महाराज का दरबार में ये नव जोगेंद्र आए थे, नव जोगेंद्र कौन है, बोले कवि हवि अंतरिक्ष प्रबोध पिपलायन, ये नव जोगेंद्र बड़े बड़े ये बड़े बड़े त्रिकाल द्रष्टा ऋषि थे, सर्वत्र विचरण करते थे, विचरण करते करते एक बार श्री नेमी महाराज के दरबार पर आए। जब आए नेमी महाराज इनको बैठाया, चरण धोए चरणामृत लिया, लेकर के इनको पूजा की, पूजा करके नेमी महाराज ये नौ जोगेंद्र जो एकादश स्कंध में आप सुनोगे कि जो नव जोगेंद्र को उन्होंने सभी को उन्होंने अलग 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 प्रश्न किया है, लेकिन एक थे जिनका नाम था करभाजन, तो उन्होंने करभाजन को प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, बोले आप कृपा करके बताओ ये कलयुग में अवतार कौन है, कलयुग में
अवतार कौन है, उनका नाम क्या होगा और कलियुग में इनको किस रूप में आराधना की जाए। जब उनने प्रश्न किया तब कर भजन ने तीन श्लोकों को द्वारा उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में जन्म लेंगे ये तीन श्लोक में बताए। वो जो पहला जो श्लोक है बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णा सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। कहते हैं नवी महाराज बोले ये कलियुग में बोले कृष्णा वर्णम, इसका दो अर्थ है, कृष्णा ये दो अक्षर है, बोले जिसको जीवा में हर समय वो कृष्ण का नाम लेगा, कृष्ण स्वयं है लेकिन कृष्ण होते भी कृष्ण नाम को लेगा है। उन्होंने कृष्ण नाम क्यों लेगा, जगत में महाप्रभु क्यों आए, कारण है जगत में ये कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए, कृष्ण की महिमा क्या है इसको प्रचार करने के लिए कृष्ण कलियुग में महाप्रभु रूप में आए। बोले साधु पावा बड़ कष्ट जिबेर जानिया साधु गुरु रूप में कृष्ण आयला न दिया, इसलिए महाप्रभु आए। कलियुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, आदर्श साधु मिलना, इसलिए भगवान स्वयं एक साधु रूप धारण करते हुए भगवान स्वयं महाप्रभु का रूप में आए और सन्यास लेकर के महाप्रभु सर्वत्र गए और सर्वत्र उन्होंने ये हरि भक्ति को जगत में प्रचार किया है। बोले कृष्णा वर्णम ये दो अक्षर महाप्रभु दिन भर क्या करते थे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाईमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। वो कृष्ण होते हुए भी कृष्ण नाम को सर्वत्र बोलते थे, ये अर्थ। दूसरा है कृष्ण वर्णम, कहते ये जो कृष्ण जो वर्ण है बड़ा सुंदर वर्ण है ये बड़ा सुंदर, बोले कृष्ण वर्ण बोले तिस्साम, कहते उनका जो अंग कांति होगा कलियुग में शरीर का रंग कैसे होगा, बोले अ कृष्ण मतलब कृष्ण नहीं काले नहीं फिर क्या गोरा, हम कहते ना भैया काला नहीं है फिर क्या है गोरा है, इसलिए ये कलियुग में हर अवतार में तो काले लेकिन कलियुग में वो गौर हरि बन करके आएंगे गोरे रूप में आएंगे। तिसम अकृष्ण बोले क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं अकेले आएंगे नहीं क्योंकि भगवान राम अकेले थोड़ी आए, कृष्ण अकेले आए नहीं, वो अकेले नहीं आएंगे पूरा धाम परिकर सब को लेकर के आएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो राम सहाबतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम पूरा धाम परिकर सबको लेकर के भगवान आएंगे। इसलिए कहते परिकर में बोले अंग उनका अंग कौन होगा, बोले नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु कौन बलदेव प्रभु अद्वैताचार्य सदाशिव है, कहते इनकी ये दो इनका अंग, बोले इनका जो उपांग बनेंगे परिकर कौन बनेंगे है, बोले इनका परिकर श्रीवास पंडित, इनका शक्ति श्री गदाधर पंडित, गदाधर कौन है राधा रानी, श्रीवास पंडित कौन है अरे बोलो नारद जी, श्रीवास पंडित ये नारद जी है। सांग पांग बोले कलियुग में इनका अस्त्र क्या होगा, जैसे त्रेता युग में भगवान राम का क्या अस्त्र था धनुष बाण, और द्वापर युग में क्या अस्त्र था अरे बोलो वृंदावन में तो बंसरी बजाए, लेकिन जब मथुरा द्वारका गए कृष्ण क्या हुआ सुदर्शन चक्र उनको, बोले कलियुग में इनका अस्त्र क्या बनेगा, बोले हरे कृष्ण, एक बार हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
युग में इनका अस्त्र भगवान का नाम। आप बोलोगे ये अस्त्र भगवान का नाम अस्त्र कैसे हुआ? अस्त्र से क्या करते, काटते है ना, जिसमें मारे सुदर्शन चक्र से मारे। आप बोलोगे ये भगवान का नाम अस्त्र कैसे हो गया? भले दूसरे दूसरे अवतार में वो मारे हैं, जैसे रामा अवतार में राम तो मारे, लेकिन मैया सीता किसको कभी मारे? आप बोलो सीता मैया किसको मारी है? नहीं। कृष्ण तो मारे, हमारी राधा रानी किसको कभी मारे? नहीं मारे, क्योंकि जो शक्ति है ना वो बड़े दयालु है, बड़ी कृपालु होती है शक्ति, इसलिए उन्होंने किसको मारे नहीं प्राण से। इसलिए कलयुग में उन्होंने वही कृष्ण, लेकिन जो महाप्रभु का रूप में आए वो राधा जी की भाव अंगांत लेकर के आए, आने का नाते महाप्रभु बड़े दयालु बने, वो मारे नहीं किसको, किसको जान से नहीं मारे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अंदर में सबको प्रेम दिया है, सबको उन्होंने हृदय में सबको प्रेम दिया, किसको मारे नहीं। बोलो एबे अस्त्र ना धरि लो प्राणे कारे ना मारि लो, महाप्रभु ये कलयुग में अस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया, जान किसको नहीं मारे, सभी का हृदय को परिवर्तन कर दिया, सभी की हृदय को उन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्यों? महाप्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु है, इसलिए उन्होंने हरिनाम दे करके ना चेत दर्पण मार्जनम, उन्होंने हरिनाम दे करके अंदर में जो बड़े बड़े हमारे राक्षस बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब के सब बड़े बड़े दैत्य अंदर में बैठे हुए, महाप्रभु क्या बोले, बोले हरिनाम महामंत्र लहो तुम मागी, ये हरिनाम को लो, ये हरिनाम को करो तो तुम्हारे हृदय में जो दैत्य लोग बैठे हैं बड़े बड़े राक्षस, ये सबके सब मर जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। राम कृष्ण ऊपर से मारे लेकिन बाद में प्रेम दिया, शरीर बदला करके, लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हुए शरीर को मारे ही नहीं, लेकिन अंदर से उन्होंने सभी को हृदय में भक्ति दे दिया, जीवन रहते रहते उन्होंने सप्त जगाई माधाई को, कितने बड़े पियकड़ थे जिनके पाप को चित्रगुप्त लिखते लिखते भर गया, घर भर गया, वो सोच रहे थे भैया कितने काल तक ये दुख कष्ट भोग करेंगे, महाप्रभु क्या बोले, कोई चिंता मत करो, आज से सारे पाप को छोड़ दो, केवल क्या करो, एक बार मेरे प्रभु का नाम लो, एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम लो, एक बार हरे कृष्ण नाम को जप कर लो, तुम्हारे सारे पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, बड़े दयालु बने। इसलिए कलयुग में इनका अस्त्र हरिनाम, बोले जो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे वो क्या करेंगे, बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायी यजंती ही सुमेधस, देखो ध्यान देकर सुनो कितनी अच्छी बात करते हैं, बोले कलयुग में जो बुद्धिमान हो गए ना चतुर लोग होंगे वो क्या करेंगे, बोले कलयुग में ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे, केवल हरिनाम करेंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं तुम्हें, दूसरे दूसरे युग में तपस्या करो यज्ञ करो दान पुण्य करो, पूजा बड़ा कठिन था, कलयुग में महाप्रभु बोले तुमको कलयुग में जाता कोई भी परिश्रम करने का जरूरत नहीं, कुछ भी कष्ट करने का जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम जप करो। बोले हरि का नाम जप करने से क्या होगा, बोले सत्य जीव का जो तपस्या भी मिलेगा, तृतीया जीव का यज्ञ का फल मिलेगा, द्वापर जीव का अर्चन का फल, केवल कलयुग में हरिनाम करने से तुम्हें ये सबका सब फल तुम्हें हरिनाम से मिलेगा, तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर बोले यज्ञ संकीर्तन प्रायी यजंती ही सुमेधस, कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा श्री गौर हरि की उपासना करेंगे। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, आप कहते हो ये कलयुग में भगवान हरि का नाम यज्ञ, बोले हाँ, बोले यज्ञ कैसे, आप लोगों ने यज्ञ देखे होंगे, बोले यज्ञ कर लिए एक कुंड की जरूरत है, हवन कुंड जरूरत है, फिर लकड़ी जरूरत है, हवन सामग्री जरूरत है, घी जरूरत है, इतने सारे चीज होगा तब यज्ञ होगा, ऐसे थोड़ी यज्ञ हो जाएगी। बोले आप ये कलयुग में ये कीर्तनों का यज्ञ कैसे बताए, देखो ध्यान देकर सुनो,
ये कीर्तन कैसे यज्ञ है, उदाहरण दिया है। देखो ये जो कान है ना, देखो ये कुंड जैसे बना हुआ ना, हवन कुंड जैसे कान है, हैं? जैसे हम इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा करते हैं, कहती ये मंत्र कहाँ है, बोले ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये हो गया मंत्र। बोले यहाँ पर घी कहाँ है, बोले जिस भाव को साथ में हम हरि नाम कर रहे हैं यही भाव है घी, यही भाव हो गया घी हो गया। बोले अग्नि कहाँ है, बोले तुम्हारे हृदय में जो प्रेम प्रकट होगा यही अग्नि। एक चम्मच से घी देते हैं ना, घी डालते हैं हवन कुंड में, बोले ये चम्मच कहाँ है, बोले तुम्हारी जो जीवा है यही जीवा ही ये चम्मच है, ये जीवा ही ये चम्मच है। मतलब क्या हो गया, बोले कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होएंगे वो क्या करेंगे, कहते कृष्ण नाम रूपी मंत्र को कान रूपी कुंड में ये जिह्वा रूपी चम्मच को द्वारा हृदय रूपी घी से जब आहुति डालेंगे, तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट होगा यही प्रेम ही प्रेम, यही अग्नि ही क्या हो गया, यही अग्नि ही प्रेम, यही प्रेम ही अग्नि है। तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा, इसलिए भले जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इधर उधर नहीं भागेंगे, इधर उधर नहीं भाग कर क्या करेंगे, केवल हरि की नाम कीर्तन करेंगे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। आप बोलोगे ये हरि नाम से क्या होता है, आप बताओ, देख ध्यान देकर सुनो, यज्ञ करने से क्या होता है, जैसे जो कंडा है ना गैया की, जो गोबर के जो कंडे बनते हैं ना, अगर उसमें जब ये घी डालते हैं वो ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनने पर लाभ है। फिर जब उसमें आहुति डालते हैं उससे जो घी की जब खुशबू है ना वो चारों तरफ में जाता है, वायुमंडल को भी पवित्र कर देती है। फिर उसमें जब जैसे अलग अलग देवता का नाम पर जब सुहा करते हैं ना, इंद्राय सुहा वरुणाय सुहा, वो जब यज्ञ करते हैं जिनका नाम को लेते हैं ना वो देवता लोगों को सब प्राप्त होता है, वो देवता को सब प्राप्त हो, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, हैं? प्रसन्न होकर के आशीर्वाद करते हैं, बोले भैया यज्ञ करने तो इतना सारी चीज हुआ, अगर आप हरि नाम करोगे तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे ना हरि नाम यज्ञ कैसे हो गया, ये हरि नाम के लिए बताए हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे एक पत्थर उठाओ किसी पानी में आप फेंको, क्या होगा, देखना पानी में फेंकने पर उसमें लहरी आएगी, लहरी आएगी ना, लहरी आएगी पर अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दो बार आएगा फिर स्पर्श करेगा। कहते उसी तरह जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, कहते ये भगवान का नाम का जो ध्वनि ये जितना दूर तक जाएगी, जितने दूर तक जाएगी, पुराण में बताया जब हम कृष्ण नाम करते हैं बोले सर्व रोग उपशमनम सर्व उपद्रव समनम शांतिदम ख्यांतिरिष्टम हरे नामानुकीर्तनम, बोले हरि का नाम कीर्तन करने से क्या होता है, बोले सर्व रोग उपशमनम सर्व उपद्रव समनम, जितने रोग है समस्त रोग दूर हो जाता है और जितने उपद्रव है नष्ट हो जाता है। देखो आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ, हमारे गुरु जी की कोई एक शिष्य थे, तब उनको क्या हो गया, उनको कैंसर हो गया, जब कैंसर हो गया ना तब उनको डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीना में तुम शरीर छोड़ दोगे, पहले इतना हरिनाम नहीं करते, कभी कभार कर लेते थे, लेकिन जब पता चल गया कैंसर हो गया और डॉक्टर बोल दिया उसका घर नहीं डालने, बोले जब 6 महीना में डॉक्टर जवाब दे दिया, बोले भैया नौकरी करके क्या करें, नौकरी को त्याग दे दिया और घर में बैठ करके ना 1-1 लाख हरिनाम करना शुरू किया, कितना ना 1-1 लाख हरिनाम करना शुरू किया। जानते हो कितना दिन तक जिंदा रहा, 16 साल तक जिंदा रहे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं वो मरे ही नहीं। अभी भी बड़ौदा में हमारी एक शिष्या है, उसको भी कैंसर है लेकिन खूब डट करके भजन करती है, भजन करती है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कहते जो बड़े बड़े जो रोग है ना, देखो मैं एक गांव का, मैं जो बचपन में था
कभी किसी गांव में हैजा, कभी महामारी, किसी गांव में आग, बड़े उत्पात होता था। हमारे गांव के लोग ना क्या करते जानते थे, ये मृदंग लेते थे, बजरा लेते थे, लेकर गांव गांव में कीर्तन करना शुरू कर देते थे। जब कीर्तन करते थे, कीर्तन के प्रभाव से अपने आप सब शांत हो जाता था। इसलिए आपका घर में भी बड़े से बड़े विपत्ति क्यों नहीं आए, आप घर में बैठो, बैठ करके ताली बजा कर घर में कीर्तन करो, आप देख लेना घर का जितने अमंगल, जितने दुख कष्ट है ना, अपने आप नष्ट हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। इतने भगवान नाम की महिमा है, इतने भगवत नाम की महिमा। इसलिए ये भगवान के नाम करने से इसका ध्वनि जितने दूर तक जाती है, जितने दूर तक जाती है, जितने दुख कष्ट अमंगल को ये नष्ट कर देती है भगवान के नाम। इसलिए देखो जो रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन है, ये गोविंद देव को जिसने प्रकट किया है, ये गोविंद देव को जिसने प्रकट किया है, वो क्या कहते हैं, बोले जो व्यक्ति हरि का नाम जब करते हैं उनको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, देखो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले पहला काम है जमपुरी में जमदूत, जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त कौन है, हमारे जीवन का जो लेखा जोखा करने वाले, चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त आ जाओ, बोले क्यों, बोले रजिस्टर लाओ, ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दो, क्या करो, ये व्यक्ति का नाम को काट दो। बोले क्यों, बोले हरि का नाम जब कर रहे हैं ना ये, और कभी नर्क नहीं आएगा, ये कभी नर्क नहीं आएगा, पहला काम। बोले दूसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले सखी रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम इसमें लिख दे, बोले किस लिए, बोले हरि नाम कर रहा है ना, सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। और तीसरा काम किया है, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले वो व्यक्ति हरि का नाम कर रहा है ना, जब वो भूर भूव मोह जना जब सत्य लोक को पार करेगा, सत्य लोक को पार करते हुए तो वैकुंठ जाएगा ना, मैं उसको आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा। वो कौन कह रहे हैं, तो गोविंद देव को जिन्होंने प्रकट किया, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हरि नाम कीर्तन करने की इतने महिमा। इसलिए कृष्ण कहते हैं भले जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्जनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। भले हे अर्जुन, हरि का नाम कौन कर सकता है, सभी नहीं कर सकते हैं। भले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्जनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक जिसने वासुदेव का अर्चन पूजा करके आए हैं, इसी जीवन में वही व्यक्ति हरि के नाम को जप कर सकते हैं, वही व्यक्ति हरि के नाम को जप कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो हरि नाम कर रहे हो ना, हम साधारण व्यक्ति नहीं हो, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये साधारण व्यक्ति हरि का नाम कर ही नहीं सकते हैं, बड़े पुण्यात्मा कर सकते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। अभी हम लोग श्रवण करेंगे, महाप्रभु ये जगत में जो आए हैं, क्यों जगत में आए हैं, इसका पीछे 4 कारण बताया, एक कीर्तन कर लेते हैं, इसको बाद में फिर सुनेंगे। अब लोग मेरे पीछे पीछे आप लोग सुना है ना हरि नाम करने का कितना बात, पीछे पीछे कीर्तन करना। हरि का भजन करो हरि है Thank you.
हमारे चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में है, चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में उसमें पांच विषय बड़ा गंभीर विषय है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम राय रामानंद संवाद। ये क्या है, जैसे ये भगवत गीता है, कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। ये जो राय रामानंद संवाद है, यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं। राय रामानंद कौन, अर्जुन का कुछ अंश है, और ये जो विशाखा सखी है ये राय रामानंद संवाद, ये विशाखा सखी बोल रही है और यहाँ पर कृष्ण सुन रहे हैं। और गीता क्या है, कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। वो जो टॉपिक है ना, इतने गंभीर विषय हैं और इतने बढ़िया है, अगर वो टॉपिक को अगर आप समझ गए ना, हमारे जो गौड़ीय वैष्णव में आप आए हो, फिर तो आना आपकी सार्थकता हो जाएगा। इतने बढ़िया विषय हमारे प्रभु जी गौर शंकर प्रभु जी आपको रोज रोज वो विषय पर कुछ कुछ कथा सुनाएंगे, अब रोज रोज कुछ कुछ सुनना, ठीक है। हरि बोल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सखी गौर भक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। बड़े सौभाग्य का विषय है चैतन्य भागवत श्रीमन महाप्रभु के कथा को हम श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। माइक का साथ देते हैं। साधारणतः भागवत कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी, लेकिन कहते हैं कृष्ण लीला वेद व्यास ने वर्णन करी, किसमें, बोले भागवत ग्रंथ में। कृष्ण लीला भागवत है पहला वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास अर्थात वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद महाप्रभु के विषय में ये कथा वर्णन करी है श्री चैतन्य भागवत में। और ये ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है वृंदावन दास कैलो चैतन्य मंगल जहाँ श्रवण नाशे सर्व अमंगल, अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का अमंगल है श्री चैतन्य भागवत को श्रवण करो, उसके श्रवण मात्र से ही क्या होगा, जहाँ श्रवण नाशे सर्व अमंगल, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। श्रीमद महाप्रभु कथा श्रवण करना प्रथम से ही हम सुन रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है, इसीलिए बड़ा सौभाग्य हमारा। और विशेष करके श्रीमद महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ये दो ग्रंथों में मिलती है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। हमारी भागवत परंपरा में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक संत हुए हैं, उन्होंने भी श्रीमद महाप्रभु की लीला को वर्णन किया। मैं ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग पहले दे देता हूँ। देखो चैतन्य भागवत तो हम विस्तृत रूप में गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, ये श्रीमद् महाप्रभु की लीला के विषय में तीन हमारे गुरुवर्गों ने लिखा है, लोकनाथ दास गोस्वामी उन्होंने भी इससे पहले चैतन्य मंगल एक ग्रंथ लिखा था, और लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल एक ग्रंथ लिखा था, और वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने भी श्रीमद् महाप्रभु की लीला के लिए ये चैतन्य मंगल लिखा। लेकिन जब दोनों ग्रंथों का नाम सेम हो गया तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके चैतन्य भागवत रख लिया। अब चैतन्य भागवत के अंदर श्रीमद् महाप्रभु की लीलाएं सर्वत्र है,
उनके जन्म से लेकर भगवान ने किस प्रकार बड़े हुए, उनकी भगवत लीला, केशव लीला, और महाप्रभु ने किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद में किस प्रकार उनका संन्यास हुआ और वो पूरी धाम में चले गए और संन्यास शेष में श्री गोपीनाथ जी के श्री विग्रह में प्रवेश करके अपनी लीला का संवरण किया। तो चैतन्य भागवत में शुरू से लेकर अंत तक ये सारी लीला का वर्णन है। लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने प्रसंग वश जहां जहां पर जैसे नित्यानंद प्रभु की महिमा आई तो उसको भी बड़े विस्तार रूप से कह दिया, और महाप्रभु की जो विशेष करके गृहस्थ लीला और उससे पहले वाली लीला है उसको बड़े विस्तार से कहा। लेकिन उनकी जो संन्यास लीला है और संन्यास के बाद में जिस मूल उद्देश्य को लेकर श्रीमद् महाप्रभु आए थे उसके विषय में कुछ नहीं कहा, कुछ खास वर्णन नहीं किया। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हीं सब बातों को लेकर फिर से एक ग्रंथ की रचना करी जो है चैतन्य चरितामृत। क्या नाम है? चैतन्य चरितामृत। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत लिखा है भगवान गोविंद के लिए अर्थात श्री कृष्ण के लिए, और चैतन्य चरितामृत लिखा है श्रीमद् महाप्रभु के लिए। और ये दोनों ही ग्रंथ इतने अभूतपूर्व ग्रंथ हैं, इनका श्रवण करके सच में श्रीमद् महाप्रभु के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में रतिमति निश्चित रूप में किसी जीव की लगेगी ही। अगर इनका आश्रय नहीं लिया तो भगवान के विषय में और श्रीमद् महाप्रभु के विषय में जानना संभव नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे हम श्रवण करते हैं भागवत के अंदर पंच प्राण है, कौन से पंच प्राण है? कहते हैं राजपंच अध्याय को पंच प्राण बताया। भागवत के अंदर दशम स्कंद भागवत क्या है? पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं कथन्यो कण्ठस्तु राजन् नवमो यदियो मुखारविन्दं दशमा प्रपल्लम् एकादशो यस्य ललाट पट्टम् शिरो अपि तु द्वादशे। इसलिए भागवत में द्वादश स्कंद है, बारह स्कंद है, कितने हैं? बारह में से ये बारह स्कंद को बताया ठाकुर जी का साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप। पहला और दूसरा स्कंद ठाकुर जी के दोनों चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के दोनों गुरु हैं, जंगा प्रदेश है, पंचम उनका नाभि कमल, षष्ठ और सप्तम स्कंद ठाकुर जी की दोनों भुजाएं, अष्टम स्कंद उनका वक्षस्थल, नवम स्कंद कंठ प्रदेश, दशम स्कंद मुखारविंद, दशमंतु मुखारविंद, मुखारविंद ठाकुर जी का दशम स्कंद है, एकादश स्कंद उनका ललाट और शिर है उनका द्वादश स्कंद। तो इस प्रकार द्वादश स्कंद स्वरूप साक्षात कृष्ण ही विराजमान है, और उसके अंदर भी विशेष करके मुखारविंद है दशम स्कंद, दशम स्कंद का प्राण है राजपंचाध्याय, ये पंच प्राण है श्री भागवतम के। ठीक उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत ने भी पांच प्राण का वर्णन किया, पांच प्राण उसके अंदर है, कौन कौन से? पहला है श्री रूप शिक्षा, श्री रूप गोस्वामी पाद और श्रीमद् महाप्रभु का संवाद, श्री सनातन शिक्षा अर्थात सनातन गोस्वामी के साथ में जो उनका संवाद है, उसके बाद में है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसंग, ये भी एक प्राण स्वरूप है। हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस भाव से श्रीमद् महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़े होकर रथ खींचते थे, उस प्रसंग को श्रवण करना प्रत्येक गौड़ी वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है, तो ये भी एक प्राण बताया। चौथा बताया सार्वभौम भट्टाचार्य और जो गोपीनाथ आचार्य श्रीमद् महाप्रभु का जो कथोपकथन है उसको एक प्राण बताया, और सबसे लास्ट में बताया ये राय रामानंद संवाद, ये श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्राण स्वरूप है। राय रामानंद और श्रीमद् महाप्रभु, हम श्रीमद् महाप्रभु के विषय में गुरुदेव से श्रवण करेंगे, लेकिन तब पर भी महाप्रभु जो लोग यहाँ आते हैं प्रायः या हमारे भक्त लोग जो हैं इनको तो अच्छे से पता है महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलकर और महाप्रभु रूप में आए हैं। और राय रामानंद कौन है? कहते हैं राय रामानंद है श्री विशाखा सखी, क्योंकि राधा कृष्ण मिलकर और महाप्रभु के रूप में आए हैं तो इसीलिए सब परिकरों को लेकर आएंगे,
अभी हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयात्वरीय सपार्षद स्वयथाम सहावतारी। भगवान कभी अकेले नहीं आते, जब भी आएंगे अपने सपरिकर को लेकर, समस्त परिकरों को लेकर, अपने धाम को लेकर और इस सारा धाम पर आएंगे। श्रीमद महाप्रभु जब आए तो उनके साथ में राधा रानी की सारी सखियां भी आई, तो विशाखा सखी ने राय रामानंद का रूप धारण किया और उनके साथ में जो श्रीमद महाप्रभु का कथोपकथन है वही राय रामानंद संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ पर श्रीमद महाप्रभु उन्होंने टोटल 48 इयर्स 48 वर्ष इस धाराधाम पर लीला करी। कितने 48 इयर्स 48 वर्ष। 48 वर्ष में से उन्होंने 24 साल गृहस्थ लीला करी और 24 साल संन्यास। 24 साल के बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास लीला में चले गए। इस 24 साल के संन्यास लीला में भी 6 वर्ष उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, दक्षिण यात्रा करी और भ्रमण करते करते सबका उद्धार किया और 6 वर्ष भक्तों के साथ में पुरी में ही रहते हुए समस्त उत्सव इत्यादि जगन्नाथ रथ यात्रा सारी सब चतुर्मास पालन ये सारी सब लीला करी, है ना। तो 6 और 6 कितना हो गया 12 और बचे हुए 12 साल श्रीमद महाप्रभु ने केवल मात्र 3.5 परिकरों के साथ में गंभीरा। आप लोग कौन कौन पुरी गए हो? पुरी गंभीरा गए है ना, गंभीरा। श्रीमद महाप्रभु 12 वर्ष तक गंभीरा अर्थात गंभीर राधा भाव गंभीर जेवा जाने महाधीर। गंभीरा बहुत छोटा सा रूम है महाप्रभु का जहाँ रहते थे, बड़ा छोटा सा एक रूम है जिसके अंदर महाप्रभु ने 12 वर्ष तक उस घर में ही रहे और उनके साथ में कौन कौन था? कहते हैं स्वरूप दामोदर उनके अंतरंग परिकर, राय रामानंद और 2 भक्तों का आवागमन होता था शिकी मैथी और माधवी दासी। लेकिन श्रीमद महाप्रभु प्रत्येक दिन और हर समय ही राय रामानंद और स्वरूप दामोदर इन दोनों के साथ में रहते थे। इन दोनों के साथ में जो मूल उद्देश्य को वो लेकर आए हैं श्री राधा भाव को आस्वादन करने के लिए, कृष्ण प्रेम में क्या आनंद है उसको अनुभूति करने के लिए, उस उद्देश्य को इन दोनों के साथ में पूर्ण करते। तो महाप्रभु ने इसीलिए जब गए थे दक्षिण भारत की यात्रा के लिए उस समय पर मिले थे राय रामानंद से। महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए थे उससे पहले वहां एक जीवन नरसिंह है उन नरसिंह देव के दर्शन किए और नरसिंह देव के दर्शन करके भी महाप्रभु को इतना आनंद हुआ दक्षिण देव को प्रणाम करने के साथ साथ और नरसिंह देव की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तब कर कमल परे नथ मद भूत खड़े होकर नित्य कीर्तन कर रहे हैं, शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म प्रिंग जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारे उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है भैया महाप्रभु तो राधा कृष्ण मिलित तनु है, राधा कृष्ण राधा भाव से विभावित होकर और फिर नरसिंह देव को देखकर उनको इस तरह से उद्दंड कीर्तन कैसे हो गया, कैसे वो नृत्य कीर्तन करने लगे? हमारे टीकाकार कहते हैं कि कृष्ण के अंदर सारे रस विद्यमान हैं, कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं और उनके अंदर ये रस वैचित्र्य विराजमान है, इसीलिए चाहे वो नीचे वाला रस हो या उत्कृष्ट रस हो। जैसे किसी के पास में अगर 100 रुपए है तो अर्थात उनके पास में 10 रुपए भी है, 20 भी है ना, उससे नीचे वाले सारे हैं उसके पास में। ठीक उसी प्रकार कृष्ण तो सर्वत्र रस उनके अंदर विद्यमान है, तो नरसिंह देव को देखकर भी उनको उसी प्रकार की उद्दीपना होती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया उनके सामने नृत्य कीर्तन किए। महाप्रभु का ऐसा उद्दंड नृत्य देखकर और पुजारी ने आकर उनको प्रसादी माला दी। रात्रि में महाप्रभु ने एक किसी वैष्णव विप्र के यहाँ विश्राम किया, लेकिन सवेरे सवेरे जब महाप्रभु स्नान करने गए वहां पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम गोबर बोलते हैं उसको,
तो उस स्थान पर गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी पर ही महाप्रभु जब स्नान करने के उद्देश्य से गए थे, गोदावरी का दर्शन करके और महाप्रभु को तो यमुना की स्फूर्ति हो गई, गोदावरी को देखकर यमुना की स्फूर्ति हो गई। वहां पर जो सुंदर वन था, वन को देखकर ऐसा लग रहा है साक्षात में वृंदावन में आ गया। महाप्रभु तो नाम संकीर्तन करने लग गए वहां पर और यमुना को दर्शन करते करते, ये हमारे टीकाकार कहते कि ये ना प्रेमी भक्त का लक्षण है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। महाप्रभु साक्षात भगवान राधा भाव में विभावित यमुना को, श्री गोदावरी नदी को देखकर उनको यमुना की स्फूर्ति हो रही है। वन प्रदेश को देखकर ऐसा लग रहा है मैं वृंदावन के किसी कुंज में आ गया। कुछ समय बाद में उन्होंने गोदावरी में स्नान किया तैरते हुए और वापस वहां से स्नान करके गोदावरी के एक तट पर कहीं बैठे हुए थे। और उसी समय पर क्या हुआ, श्री राय रामानंद, ये राय रामानंद पालकी के साथ में आए। इनके जो काहड़ थे वो पालकी उठाकर, इनको पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे थे, क्योंकि राय रामानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। राय रामानंद उस समय पर राजा प्रताप रुद्र के क्या बोलते थे उसको, मैंने एक टाइप ऑफ सेक्रेटरी मान लो, जो राज्य कोष को मैनेज करते हैं उन वो थे। तो इनको वहां पर दक्षिण देश में उसी स्थान पर रहते थे, तो बड़ा ही ऐश्वर्य था, राजवेश धारण करे हुए हैं, पालकी में कहार लेकर आ रहे हैं इनको, और इनके साथ में बहुत सारे ब्राह्मण भी आए थे। राय रामानंद ने जाकर गोदावरी में स्नान किया और पीछे से जो ब्राह्मण है वो सारे स्तव स्तुति पाठ कर रहे हैं। विधि मार्ग के अनुसार जैसा स्नान का नियम होता है, स्नान तर्पण का नियम है, राय रामानंद स्नान कर रहे हैं, ये पीछे पीछे बड़े उच्च स्वर से ब्राह्मण स्तुति पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और स्नान करके जैसे ही बाहर आए, महाप्रभु ने इनका दर्शन किया। राय रामानंद का दर्शन करके महाप्रभु पहचान गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात राय रामानंद है। इसीलिए महाप्रभु के हृदय में बड़ी इच्छा हो रही है जाकर उनसे मिलने की, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, वहीं पर स्थिर होकर बैठे रहे। राय रामानंद ने जब महाप्रभु को देखा तो एक बार इतने आश्चर्यचकित हो गए, इतने सुंदर सन्यासी, इतना सुंदर गौर वर्ण जिनका अंग कांति है, उन्होंने अरुणोदय कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र भी कैसे गौरिक वस्त्र कपड़े पहन रखे हैं, और उनके स्वरूप से उनके शरीर से इतना तेज उद्भाषित हो रहा है जिससे मानो पूरा त्रिभुवन आलोकित हो रहा है। इतना सुंदर सन्यासी, ना भूतों ना भविष्य, कभी देखा ही नहीं। राय रामानंद के उन्होंने क्या किया, जाकर श्रीमद महाप्रभु को जाके प्रणाम किया। महाप्रभु यद्यपि पहचानते हैं लेकिन तब भी प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम राय रामानंद हो? राय रामानंद ने कहा कि हाँ, मैं शूद्र आपका दास हूं, मैं ही राय रामानंद हूं। ये सुन के महाप्रभु को इतना आनंद हुआ, क्योंकि महाप्रभु है कौन, राधा कृष्ण मिलित तनु, और श्री राय रामानंद साक्षात विशाखा सखी, तो इसीलिए बहुत ही प्रेम हृदय में उमड़ आया, राय रामानंद के हृदय में भी, महाप्रभु के हृदय में भी, दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कर दिया और आलिंगन करके वहां पर मूर्छित हो गए, मूर्छित प्राय हो गए दोनों ने, गले इतना आलिंगन किया वहां पर, मूर्छित होकर गड़ागड़ी माने लोटपोट खाने लगे वहां पर। और धीरे धीरे जब वापस मूर्छा भंग हुई तो दोनों उठकर और एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, देखो भक्तों का यह स्वाभाविक लक्षण होता है, अपनी महिमा काम नहीं करते भक्त है ना, अपने को छिपाना चाहते हैं, छपाते नहीं है, न्यूज़पेपर आर्टिकल में जैसे छपाते ना हम लोग, ख्याति गान करते हैं, नहीं, भक्तों का स्वाभाविक गुण है प्रणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना आमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। इसलिए राय रामानंद ने जब अपना परिचय दिया, कहते हैं मैं शूद्र हूं, लेकिन वो शूद्र वंश से नहीं थे, यद्यपि भक्त तो इन चतुर्वर्णों से ऊपर होता है, लेकिन महाप्रभु शूद्र श्री राय रामानंद अपने आप को शूद्र कहकर परिचय देते हैं, और उनका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, परम भक्त हैं, लेकिन प्रताप रुद्र राजा का विषय अन्न खाते हैं, राजसिक वस्त्र पहन रखे हैं और इतने सारे सेवकों को साथ लेकर आए हैं, इसीलिए अपना परिचय शूद्र कहकर दे रहे हैं। महाप्रभु उनकी महिमा गान करते हुए कहने लगे, बोले आपके विषय में तो हमने सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था, उन्होंने आपकी बड़ी महिमा गान करी है, और मैं तो केवल मात्र आपसे मिलने ही यहाँ आया हूँ, मेरा दक्षिण भारत में जो आना हुआ है केवल मात्र आपसे मिलने के लिए। राय रामानंद कहने लगे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरी महिमा गान करी, मेरा तो महिमा गान करने लायक कुछ में कुछ गुण है नहीं,
मैं शूद्र हूँ, विषयी राजा का अन्न ग्रहण करता हूँ और मैं राजसिक वस्त्र धारण कर रखा हूँ, लेकिन तब पर भी आपने मुझे आलिंगन किया। महाप्रभु ने गले मिले थे ना, सन्यासी को शूद्र के साथ में शूद्र का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, विषयी लोगों का दर्शन भी, राजसिक राजाओं का दर्शन करने के लिए भी सन्यासी को मना किया है, शास्त्र मना करता है, लेकिन आपने तो राय रामानंद के प्रति आपकी इतनी प्रीति है, आपने मेरा दर्शन किया, आपने मुझे आलिंगन कर लिया। प्रभु आप सच में भक्तवत्सल हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद महाप्रभु ने इस प्रकार राय रामानंद की महिमा गा रहे हैं, राय रामानंद महाप्रभु की महिमा गान कर रहे हैं। राय रामानंद कहने लगे कि देखिए आपके दर्शन से मेरे साथ जो ब्राह्मण आए हैं वो लोग भी कृष्ण 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 नाम उच्चारण कर रहे हैं, है ना। महाप्रभु कहने लगे बोले नहीं नहीं, ये मेरे नाम मेरे दर्शन से नहीं हो रहा है, अरे ये लोग तो तुम्हारे नित्य संगी हैं, तुम्हारे साथ सब समय रहते हैं, इसीलिए एक शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव है कि ये कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे की महिमा गान कर रहे हैं। लेकिन वहां पर ना कुछ कुछ ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण देखकर और निंदा कर रहे थे, बोले ये सन्यासी है, सन्यासी होकर शूद्र को आलिंगन कर लिया। और राय रामानंद वो भी बड़े विद्वान थे, कहां एक साधारण सन्यासी को देखकर और आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। इस तरह से वो लोग निंदा चर्चा करने लगे। टीकाकार देखो यहाँ पर सावधान कर देते हैं, भक्तों की परस्पर क्रियाओं को देखकर कभी भी कुछ आलोचना नहीं करनी चाहिए, समालोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ भक्तों का कैसा आचरण है हम तो समझ नहीं सकते, साधारण जीव के पक्ष में कभी भी संभव नहीं है महाभागवतों के आचरण को देखकर समझना। राय रामानंद साक्षात महाभागवतों में उत्तम और श्रीमद् महाप्रभु साक्षात भगवान, लेकिन इन दोनों के व्यवहार को देखकर साधारण ब्राह्मण कहां निंदा कर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों ने क्या किया, अपने भाव को संवरण कर लिया और वहां भाव प्रकाशित नहीं किए, भाव को संवरण करके और कहने लगे महाप्रभु कि आपके मुख से कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा है। अभी सुन रहे थे ना हम, देखो अर्जुन ने बैठकर और गीता का श्रवण किया भगवान के मुख से, लेकिन यहाँ पर भगवान श्रीमद् महाप्रभु स्वयं भक्त से कह रहे हैं कि आपके मुख से कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा है। महाप्रभु के जब ये वचन सुने, राय रामानंद कहते हैं बोले प्रभु आप तो मेरे कल्याण के लिए ही आए हैं, हाँ इसलिए गर्गाचार्य ने क्या वर्णन किया, महंत स्वभाव तारीते पावर स्वभाव एक तारीते पामर, प्रभु आप मेरे लिए दक्षिण भारत में आए हैं, मैं तो अत्यंत पतित हूं और केवल मात्र दर्शन देने से मेरा कल्याण नहीं होगा, आपके दर्शन करके यद्यपि मैं पवित्र हो गया हूं लेकिन तब पर भी 5-7 दिन यही रुकिए, मुझे पतित को पावन कीजिए, मुझे पवित्र कर कीजिए और उसके बाद में फिर आपकी जैसी क्रिया होगी उसमें मैं संतुष्ट होऊंगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और महाप्रभु सवेरे सवेरे का समय था, स्नान के बाद में ये सारी मीटिंग हुई थी, महाप्रभु उस समय पे वहां से चले गए, राय रामानंद भी अपने संघ के साथ में वहां से चले गए, लेकिन रात्रि के समय पर पुनः वापस संध्या के समय पर दोनों उपस्थित हुए हैं। अभी राय रामानंद राजसिक वेश में नहीं आए हैं, साधारण वेश धारण करके आए, भक्त वेश। भक्त वेश क्या, धोती कुर्ता उत्तरी गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव शरीर, यही उनका लक्षण, यही उनका वेशभूषा है। तो साधारण वेश धारण करके आए, महाप्रभु वहां पर गोदावरी तट पर उपस्थित थे, दोनों ने वहां पर बैठकर उनका जो कथोपकथन हुआ है वही है श्री राय रामानंद संघ का। हम आज यही पर श्रवण करते हैं, इसके बाद की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वाचा कल पत्र ऋषि के पास हम दो बजे पहले नाम आनंद की जय। देखो उसमें 5 संवाद है, चैतन्य चैतन्य एक का संवाद है,
राय रामानंद के साथ में और एक संवाद है कि जो गोविंद देव किसने प्रकट की थी ये रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने एक उपदेश दिया है जिसको कहते हैं रूप शिक्षा। क्या कहते हैं? रूप शिक्षा। इतनी बढ़िया शिक्षा है और उसमें इतने गंभीर जो दो टॉपिक लिए है ना, आप लोग इसको ध्यान से सुनना। अगर ये दो टॉपिक को अगर कह के सही से हमने सुन लिया ना, उसमें इतने रस, इतने आनंद और इतने हमारे सिद्धांत तो परिपूर्ण है जिसको तत्व तो जानने पर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। फिर हमारे सारे गौड़ीय सिद्धांत को आप अच्छी तरह समझ जाओ। इसलिए हम ये दो बच्चे रोज रोज आपको ये दस दस मिनट सुनाएंगे, आपको सार को सार पूछना। कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत गतिधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं गए थे कृपा वंचन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव बरगा नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति सेवक सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं गए थे कृपा वंचन करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गुरुवर्ग श्री राधा मदन मोहन जी गौर नित्यानंद प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सर कथा श्रवण कर भक्त वृंद सबके चरण में अधन का दिखाई देते नम्र प्रणाम सिद्धांत। अभी हम श्रवण करेंगे किसी चैतन्य चरितामृत में जब श्रीमद् महाप्रभु इस जगत में बोले क्यों आए थे। महाप्रभु का वास्तव में मनोविष्ट किया था कि पृथ्वी से आदि जति नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार भये बोलना। महाप्रभु इस जगत में इसलिए आए थे कि एक एक गांव में एक एक नगर में एक एक मोहल्ले में श्री कृष्ण नाम का जगत में प्रचार हो। अब इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु इस लीला करते हैं। देखिए अभी इसके इंट्रोडक्शन स्वरूप में मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ कि आप लोग बोलोगे कि वेद व्यास तो भगवान के सत्यावेश अवतार है और वृंदावन दास तो साधारण है, बोले इनके बारे में देखो साक्षात बता रहे हैं कि महाप्रभु कौन है। साक्षात राधा कृष्ण है, साक्षात राधा कृष्ण का मिलित धनु ये श्रीमद् महाप्रभु है। इसलिए देखो ये वृंदावन दास जब वो इस चैतन्य भागवत ग्रंथ को लिख रहे थे तब कृष्णा श्रीधर गोस्वामी इसको वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य रचित नारे ऐसे धन्य ग्रंथ वृंदावन दास मुखे भक्त चैतन्य। इस ग्रंथ को साधारण कोई ग्रंथ नहीं है, भक्ता भी साधारण नहीं है, बोले कैसे, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण वृंदावन दास के मुख से स्वयं प्रकट हो गई अपने चरित्र को स्वयं जगत में प्रकाशित कर दिया। इसलिए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भैया, ये कोई मनुष्य लिख दिए हैं, इसको हम पाठ करेंगे पढ़ लेंगे सुन लेंगे ऐसे मत सोचना। साक्षात राधा कृष्ण ही अपने लीला को स्वयं जगत में विस्तार किए और बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के बारे में बता रहे हैं कि इस वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि भागवत जत भक्ति सिद्धांत अनुसार कहाँ से विस्तार करे श्री चैतन्य दास। बता रहे हैं कि भागवत में जितने भी भक्ति रस का सार है उसको भी बहुत सारे लोग विशेष करके अध्ययन करके भी ठीक से समझ नहीं पाते, उसको समझ भी नहीं पाते। वेद व्यास जी ने तो सारे ग्रंथ पर सार निचोड़ करके श्रीमद् भागवतम में दे दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के भी जो सार है और उनमें से सार उद्धृत करके उनमें से जो सार सार को निकाल करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में दिया।
इसीलिए ये भागवत से भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सार है। देखिए हमारे संप्रदाय के प्रभुपाद कहते हैं कि जगत में सारे वेद पुराण जितने भी उपनिषद हैं सब अगर लुप्त हो जाए केवल ये चैतन्य चरितामृत ऐसा एक ग्रंथ अगर हमारे साथ रहेगा तो हम चल लेंगे। केवल एक ग्रंथ के ही आवश्यक है, वो है चैतन्य चरितामृत। इसलिए देखिए इस चैतन्य चरितामृत में जो रूप शिक्षा कहा गया है इसका बताया गया है कि प्राण स्वरूप, इसमें किस किस प्रकार कृष्ण के जो भाव किस किस प्रकार हम आगे आगे श्रवण करेंगे, कृष्ण के जो मधुर मधुर लीला, कृष्ण के भाव हमारे क्या भाव है, हम लोग भक्ति में कहाँ तक पहुँच पाए हैं, हमारा क्या अनर्थ है, सब एक 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 करके। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति करने पर भी हमें कोई फल नहीं मिलता, बोले आप में अभी अनर्थ है। बोले ये एक एक करके वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया 10 दिन में उसको से रूप गोस्वामी के माध्यम से जो जगत को प्रचार किया गया उसको बोलते हैं ये चैतन्य भागवत में रूप शिक्षा। अब बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ वृंदावन जा रहे थे, अब वृंदावन जाते जाते महाप्रभु को सारे भक्त लोग गौर देश से समाचार आ गया कि महाप्रभु भैया अब वृंदावन धाम जा रहे। इतने सारे भक्त इकट्ठा हो गए, बोले हरिदास नित्यानंद आर भक्त जना बकरेश्वर पंडित रहिन से ईसन, बोले बकरेश्वर पंडित हरिदास ठाकुर और जितने भी महाप्रभु के प्रिय प्रिय पार्षद सब आगे आगे महाप्रभु के आगे आगे नृत्य कीर्तन करते करते हुए ये वृंदावन यात्रा कर रहे थे। इतने में एक एक गौड़ देश का राजा था, उस समय तो जो भार राज्य का भार करते थे उसी समय कोई हिंदू राज्य राजत्व नहीं करते थे, इसीलिए ये एक मुसलमान राजा को राजत्व करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई साधुओं का काम होता है तो भगवान का भक्ति करना और साधुओं अपने साथ लाख लाख लोगों को ले जाना, यानी उसने सोचा कि लग रहा है मेरे ऊपर अभी संकट आने वाला है, मेरे ऊपर अभी आक्रमण करने वाले, कहीं ये साधु वेश में आकर शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण ना कर ले। इतने में उसी राजा की नौकरी करते थे ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उसी मृक्ष की नौकरी करते थे, बोल रहे ये रूप गोस्वामी का नाम राजा ने परिवर्तन करके ये दावीद घास दे दिया था और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मंडी ऐसे करके नाम दे दिया था। अब उसी मृक्ष के सारे काम करने वाले उसी समय रूप गोस्वामी का जो उसी समय रूप गोस्वामी की जो स्थिति है वो राजा का सारे राज को संभालते थे, उसी समय मानो रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आजकल जैसे अमित शाह है ना उसी समय ये फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी समय इतना धन संपत्ति राजा के सारे धन संपत्ति को ये संभाला करते थे। और बोले सनातन गोस्वामी उसी समय प्रधानमंत्री थे, मुख्य राजा के प्रमुख प्रमुख कथा को राजा को उपदेश देना राजा ये साकर मल्लिक के सारे बात सुना करता था, उसी समय की बात है, इतने धन संपत्ति था। तो ये दोनों को राजा ने भेज दिए, भाई जाके देख करके आओ कि हमारे साधु बेस में कहीं शत्रु ना हमारे राज्य में घुस जाए। इतने में वो दोनों जाते हैं, जा करके जैसे ही श्रीमन महाप्रभु को श्री रूप गोस्वामी या श्री सनातन गोस्वामी साक्षात दर्शन करते हैं तो देख के प्रेम से उनका हृदय गदगद हो जाता है, बोले ये तो कोई साधारण इस जगत के लोग है नहीं, ये साधारण है नहीं, ये साक्षात महाप्रभु के परिकरगण है, साक्षात परिकरगण है। इसलिए बता रहे हैं कि उन लोगों ने देख करके महाप्रभु को प्रणाम किया। अब राजकोष भेष में है, जैसे ही प्रणाम करते हैं महाप्रभु को भाव भंगी को देख के पुनः वहीं से लौट आते हैं। बाद में जैसे लौट आते हैं राजा पूछते हैं, बोले तभी रखा सके राजा पूछी निभृते के न लगे गोसाई आई ले दोहरते, बोले राजा पूछ रहे हैं कि ये दबीर खां कि ये जो गोस्वामी लोग आ रहे हैं लाख लाख लोगों को लेके इसलिए किस लिए आ रहे हैं, क्या आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तब दबीर खां ने उनको महाप्रभु के अल्प बहुत महिमा बता करके महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत बता करके राजा को सांत्वना दे दिया, बोले नहीं नहीं महाराज ये तो भक्त है, इनका काम है भगवान का भक्ति का प्रचार करना, इसीलिए ये तो वृंदावन जा रहे हैं, इसीलिए जाते जाते ये राम के टिग्राम में आकर उपस्थित हुए।
जब श्रीमन महाप्रभु राम के निग्राम में किसी एक भक्त के निमंत्रण पाके किसी भक्त के यहाँ थे, तब इतने में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो वास्तव में श्रीमन महाप्रभु को देखते ही पहचान गए थे। अब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक दिन रात में अपने सारे काम को खत्म करने के बाद, अपने सारे राजवेश त्याग करने के बाद, राजवेश मतलब ये कोई साधारण नहीं थे, अभी बता रहा था ना, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, इसीलिए बढ़िया सुंदर पोशाक धारण करके इनके साथ भी सैन्य सामंत जाते थे। ये भी जब जाते थे इनके साथ पालेंगी में ढो ढो करके इनको लेके जाते थे सवारियों में, इसीलिए ये साधारण नहीं थे। बोले छुप करके अपने रूप को चेंज करके, अपने स्वरूप को चेंज करके, अपने वस्त्र को चेंज करके, बोले कैसे वस्त्र धारण किए, गले में केवल गला वस्त्र गीतांजलि वैष्णव ने करे। बोले यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं भैया, हम वैष्णव के पास जाएं तो हम इतने संपत्ति है, हमारे पास इतने धन है, ये दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में हमारी इस जगत की संपत्ति तो यहाँ रह जाएगा और नस्तो रहे, वैष्णव के पास तो राधा कृष्ण रूपी प्रेम धन संपत्ति है, प्रेम रूपी धन संपत्ति है, इसीलिए हम जब वैष्णव के पास जाए बड़े दिन ही बड़े अपने आप को नीच अधम पापी ऐसे मन में सोच करके वैष्णव के पास जाना चाहिए। तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद दंते तीर्ण करिया, दंत में यानी अपने होठ में एक तिलका को पकड़ करके, गले में साधारण से वस्त्र पहन करके जा करके जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु रुके थे रात में, वहां पर जाके महाप्रभु के चरण में प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए क्या बोलते हैं, तो चैतन्य कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, बोले जगाई माधाई गए थे कोटि कोटि गुण अधम पम अरे पापी मुई दुई जन। बोले हे प्रभु, जगाई माधाई जिसने बहुत बहुत पाप कर्म किए थे, हम आगे श्रवण कर रहे थे करेंगे, कितने भयंकर भयंकर पाप किया, फिर भी श्रीमद महाप्रभु ने जगाई माधाई के ऊपर कृपा की। बोले जगाई माधाई तो उनके पास बहुत गुण था, इनके पास बहुत गुण है, लेकिन मुझे देखो प्रभु, हम दोनों को देखो, अधम पामरे पापी आमी दुई जन, मैं तो बहुत पामर हूँ, बहुत पतित हूँ। बोले क्यों, बोले मेरा नाम क्या है, बोले देखो कि कह रहे हैं कि मृच्छ जाति मृच्छ संगे आर मृच्छ कर्म करी गो ब्राह्मणे विद्रोही सर्वे संगलरी। बता रहे हैं कि मैं हर समय क्या करता हूँ, काम भी हमारा देख लो, इसलिए मैं मृच्छ के साथ मृच्छ लोग जो बोलते हैं हम उन कर्मों को करते हैं। बोले कहाँ रहते हैं, बोले मृच्छ के साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, और देखो हमें कितने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन ये मृच्छ के यहाँ कर्म करते करते उनका नाम भी मृच्छ जैसे रख दिया, दाबीर खां और साकर मल्लिक। बोले हम मृच्छ जाते हैं, कहाँ आप साक्षात भगवान, हमें आप कृपा कर। तब महाप्रभु ने जिस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं, महाप्रभु एक वाणी में बोले, इससे पता चलता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भैया साधारण नहीं है। बोले महाप्रभु क्या बोल रहे, बोले राजा है ते अमार एथा नहीं प्रयोजन तुम्हारे देखी ते अमार एथा गमन। अरे तुम क्या सोच रहे हो, मैं राम के लिए गया हूं, मैं क्या तुम्हारे राजा से मिलने के लिए आया हूँ। बोले नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम दोनों को देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बोले क्यों, क्योंकि जन्मे जन्मे भृत्य तो ही तुम्हारा अमर, कि जन्म जन्म में तुम मेरे भृत्य हो। बोले ये रूप गोस्वामी कौन है, ये सनातन गोस्वामी कौन है, बोले ये कोई साधारण नहीं है भैया, ये राधा रानी के निकुंज के दो मंजरिया है, ये रूप गोस्वामी साक्षात रूप मंजरी है। ये रूप मंजरी फिर कौन है, बता रहे लीला निकुंज को हरे भवती मुकुंदे चेत्रे वशु चेतवती रुचिराक्षिणा बता रहे हैं कि लीला निकुंज कोरे भवती मुकुंदा। कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को ऐसे ऐसे बात बताते, राधा रानी मान भवन में चली जाती,
और मान भवन में जाके निवृत निकुंज में, निकुंज यानी चारों तरफ वृक्ष में परिपूर्ण एक एक कुंज में राधा रानी छुप जाती और बाहर को ये रूप मंजरी छोटे से उम्र के जो रूप मंजरी को बोलती है कि हे रूप मंजरी खबरदार किसी को भी अंदर आने मत देना, किसी को भी अंदर आने मत देना, कृष्ण भी आए तो कृष्ण को भी बाहर रोक लेना। इतने में राधा रानी मान करके मान भवन में बैठ जाती। इतने में कृष्ण क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते स्वाभाविक रूप में कृष्ण ढूंढ रहे हैं, कृष्ण पूरा सारे जगत के विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी भैया वृंदावन में उनके मालिक पर नहीं चलेगा, वृंदावन में इनके कुछ भी अधिकार नहीं चलेगा। इसलिए कृष्ण ढूंढते ढूंढते जब एक एक कुंज से, एक कुंज से दूसरे कुंज, दूसरे से तीसरे होते हैं, तब देखते हैं एक कुंज में रूप मंजरी बाहर सिक्योरिटी के गार्ड काम सिक्योरिटी के जैसे खड़े हैं। तब इतने में है उनको पता चल जाता है कृष्ण को कि निश्चित रूप में ये रूप मंजरी यहाँ पर है, तो राधा रानी भी अंदर में हो। ऐसे करके कृष्ण क्या करते हैं, दौड़ दौड़ करके आके रूप मंजरी को बोलते हैं कि हे रूप मंजरी मुझे इस निवृत निकुंज में प्रवेश करने के लिए अनुमति दे दीजिए। ऐसे प्रार्थना करते हैं, गिनगिनाते हैं, ऐसे रूप मंजरी का महिमा है। अब जब राधा रानी अंदर रह करके ये रूप मंजरी और कृष्ण के वार्तालाप सुनती है, तब राधा रानी को लग जाती है कि वास्तव में उनका विरह है, लेकिन अभी उनका इच्छा हो रहा है कि मिलन होने का। तो बाहर जानबूझ के राधा रानी आती है, बाहर जानबूझ के राधा रानी आती है, और राधा रानी आके ये रूप मंजरी को, ये रूप गोस्वामी रूप मंजरी को प्रणाम रुचयते, अपने तेजी भ्रिकट से ऐसी देखती है, अरे मैंने मना किया था ना इससे बात नहीं करने, क्यों इससे बात कर रहे हो। तब ऐसे ऐसे जो मधुर लीला निवृत्त निकुंज में जो इस प्रकार के जो भाव, इस प्रकार के जो मधुर लीला करने वाली ये रूप मंजरी है, इसीलिए श्रीमद महाप्रभु मानो यहाँ पे आए हैं कि देखो तुम लोग इस जगत में आए हैं महाप्रभु और कृष्ण के वाणी को प्रचार करने के लिए, इसलिए हे रूप सनातन तुम दोनों अभी क्या करो ना, जल्दी जल्दी इस विषय को त्याग करके तुम लोग वृंदावन आ जाओ। अब इतने में जैसे ही श्री सनातन गोस्वामी पाद कुछ श्रीमद महाप्रभु को इंगित करते हुए प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि लाख लाख लोगों को लेकर वृंदावन जाने का प्रथा नहीं है, रीति नहीं है, वृंदावन जाए बारो ना है यही रीति। इस प्रकार जब कहते हैं तो श्रीमद महाप्रभु किस लिए आए थे, बोले उनका वास्तव उद्देश्य वृंदावन जाना नहीं, उनका वास्तव उद्देश्य रूप और सनातन से मिलने के लिए, इसीलिए यहाँ तक आए। तब श्रीमद महाप्रभु कान्हाई नाटशाला से पुनः पूरी चले जाते हैं। अब इतने में जैसे ही श्रीमद महाप्रभु राम के निग्रामों से पूरी चले गए, इतने में श्री रूप सनातन ने मन ही मन सोच लिया, भैया अब हम राजा के काम नहीं करेंगे, राज्य भार हम छोड़ देंगे। श्री रूप गोस्वामी कुछ बहाना करके 10,000 स्वर्ण मुद्रा सनातन गोस्वामी के लिए किसी एक व्यक्ति को दे करके बाकी के आधे जितने भी सैलरी पाते थे, जितने भी धन संपत्ति था, सबको लेके नौका में पार होते होते रातों रात से रूप गोस्वामी वहां पे जाके गांव में कुछ ब्राह्मण वैष्णव को उत्सव करवा दिया, आधा संपत्ति तो कुछ भक्तनों को दे दिया। ऐसे करके श्री रूप गोस्वामी धीरे धीरे करके जैसे ही वहां पे चुपके थे, जैसे ही उनको पता चला कि श्रीमद महाप्रभु फिर से पूरी से वृंदावन जा रहे हैं, तब रूप गोस्वामी ने भी राजभार को त्याग करके वृंदावन जाने के निष्पत्ति दे दिया। अब सनातन गोस्वामी रह गए, अब मंत्री हैं। सनातन गोस्वामी सोच रहे भैया मैं कैसे छोटू राजा के पलों से। इतने में सनातन गोस्वामी पाद ने भी एक बहाना मारा, बोले क्या, बोले शरीर असुस्थ मन राज्य का जे विरक्त है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरा शरीर अस्वस्थ है, यदि अभी शरीर अस्वस्थ नहीं है फिर भी देखो कहां जगत के प्रधानमंत्री, हम लोग जानबूझ करके विषय में प्रवृत्त होते हैं, जानबूझ करके हम विषय से चिपकने के लिए चाहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं कैसे पैसा दे दे करके जानबूझ करके विषय से बाहर हो रहे हैं, जानबूझ करके सनातन गोस्वामी विषय से बाहर हो रहे हैं, बोले मेरा शरीर अस्वस्थ हो रहा है। इतने में शरीर अस्वस्थ के बहाना करके सनातन गोस्वामी घर तो बैठ गए, लेकिन भैया उनके मन शांत नहीं हुआ, बोले क्यों, क्योंकि महाप्रभु बातों के तो देखा ही तो पा रहे, अरे महाप्रभु के देख करके वो पागल हो गए हैं,
इसलिए मानो अभी वो नृत्य कीर्तन कथा कीर्तन सुनना चाहते हैं। इसीलिए गांव में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, जितने बड़े बड़े पंडित, सबको बुला करके श्री सनातन गोस्वामी अपने घर में ही भागवत की चर्चा करते हैं। एक दिन राजा ने बोला, भाई कहाँ गए हमारे मंत्री? नहीं है कि पैसे देने वाले मंत्री भी नहीं, कहाँ दोनों के दोनों कहाँ चले गए, जाके खोज खबर करो। तो राजा ने कुछ सैन्य को तो रूप गोस्वामी के खोज में भेज दिया और कुछ सैन्य को भेज दिया कि सनातन गोस्वामी को देख के रहो। सैन्य जाके देख करके आया, भैया सनातन गोस्वामी तो बीमार है। राजा ने फिर वैद्य को भेज दिया, वैद्य को भेज दिया। जैसे राजा ने वैद्य को भेज दिया, इतने में सनातन गोस्वामी बाहर के तो दिखा रहे हैं कि बीमार है, अंदर से सुस्त है। वैद्य को सब बात पता चल गया, भाई सनातन गोस्वामी कोई बीमार बीमार है नहीं। उसने आके राजा को बोल दिया, महाराज वो सनातन गोस्वामी कोई बीमार बीमार है नहीं। बोले घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? बोले घर में बैठे बैठे वो नित्य नित्य भगवान की कथा कीर्तन सुन रहे। अरे ऐसी बात, चलो मैं उनको आज दिखाता हूँ। राजा अपने सारे सामंत सेना के साथ सनातन गोस्वामी के घर में आके देखे कि सचमुच वहाँ पे सनातन गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे। इतने में सनातन गोस्वामी के पास को राजा ने जिज्ञासा किया, पूछा कि चलो आपका शरीर मन तो सुस्त है, आप चलो। तब सनातन गोस्वामी ने मना कर दी कि अभी और मैं राज कार्य नहीं कर सकता। इतने में राजा बोलते, नहीं कर सकता, आपके एक भाई रूप ने दावर खान है, इसने क्या किया कि इसने मेरे धन संपत्ति को आधे नहीं छोड़े, पता नहीं कहाँ भाग गया। अब आप बहाना करके घर बैठ गए हो, आप बोल रहे हो मैं सेवा नहीं कर सकता, बोले इसको बंदी बना लो। तब सनातन गोस्वामी को बंदी बना लेते हैं। अब इतने में सनातन गोस्वामी बंदी बन जाते हैं और श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के दर्शन के लालसा से जब वृंदावन जा रहे थे, तब वहां पे उनको पता चला कि श्रीमन महाप्रभु प्रयाग फिरते हुए हैं। इतने में रूप गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और प्रयाग में 10 दिन तक श्रीमन महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको बोलते हैं रूप शिक्षा। उसको भी बोलते हैं क्या? रूप शिक्षा। हम आगे आगे एक एक शिक्षा को आगे आगे श्रवण करेंगे, आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे। बोलो गौर प्रेमानंदे। हम लोग छोटे मोटे नौकरी के लिए कितना रिश्वत देते थे ना, लेकिन सनातन गोस्वामी नौकरी को छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, पता है कितना पैसा दिया? उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा। कितना? नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया और उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए बहाना बना लिया। कौन सा नौकरी जानते हो? प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना लड़ाई झगड़ा, कितने पार्टी है। लेकिन ये चीज को समझो, भगवान की भक्ति में कितने आनंद है, कितने उसमें रस है, जो कि ये प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ करके रिश्वत दे करके प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ना चाहते। क्यों? भक्ति में जो आनंद है ना, वो आनंद और कहीं भी नहीं। ये चीज को समझो, प्रभु की भजन में जो आनंद है। इसलिए कल हम लोग फिर कथा सुनेंगे, हम लोग टाइम से और आना और कल से चैतन्य महाप्रभु का जन्म कथा सुनेंगे, ठीक है? महाप्रभु जगत में क्यों आए, किसके कारण भी सुनेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म भी उसको सुनेंगे। हम लोग संघर्ष करके आना, सभी सब पीले पीले लहंगा चुनरी पहन कर आना। कल जैसे कृष्ण जन्म होते है ना, कल श्री चैतन्य महाप्रभु भी जन्म हो गया, ठीक है? और एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लेकर के आना। कितने कितने? 10-10। अभी अभी आरती होगी, आप लोग खड़े हो जाओ। और प्रसाद है ना, सब के लिए प्रसाद है, सब आरती के बाद में सब प्रसाद पाठ रहे हैं। आगे आरती के बाद बोल I'm
Thank you.
इसलिए अभी दोनों हाथ उठाकर सभी को थोड़ा सा शरीर को तो हिलाओ, ठाकुर जी के सामने पेड़ की तरह खड़े रहोगे तो अगले दिन में पेड़ ही बना देंगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर थोड़ा सा शरीर को हिलाओ। राधे राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधे Krishna, 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 Krishna.
वृंदावन होता ना तो ऐसा नहीं होता, जानते हो कैसा? बोले राधा रानी का दल हारता नहीं, यहाँ लेके ना माताएं सब लोग राधा रानी के पक्षवादी होकर भी खड़े हो। अरे थोड़ा सा हिलो तो सही, क्या कृष्ण का दल इतना नाच रहा है, राधा रानी को हारने दोगे?